कॉन्फ्रेंस 2022 का जो आयोजन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के मीडिया विंग के द्वारा 29 अगस्त से 2 सितंबर तक किया गया है, इसका वैलिडिक्ट्री सेशन या समापन सत्र अभी प्रारंभ होने जा रहा है। आज के सेशन का बहुत सुंदर विषय सॉल्यूशन सेंट्रिक मीडिया द नीड ऑफ द आवर, अर्थात समाधान केंद्रित मीडिया समय की मांग है। देश विदेश के मीडिया मनीषियों ने इसमें अनेक प्लेनरी डायलॉग सेशंस, टॉक शो, मेडिटेशन सेशंस आदि में भाग लेकर के मीडिया जगत की समस्याओं व निदान तथा मीडिया के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गहन विचार विमर्श किया है। मैं आज के समापन सत्र के लिए माननीय वक्ताओं को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। आप सभी करतल ध्वनि के साथ उन सभी का अभिवादन करें। आज के इस सत्र के मुख्य अतिथि प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी, जो कि दिल्ली से हमारे बीच में पधारे हैं, मेरा नम्र निवेदन है कि कृपया मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही आज के चेयरपर्सन आदरणीय डॉक्टर ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय भाई, चेयरपर्सन एजुकेशन विंग ब्रह्मा कुमारी, उनसे भी मेरा नम्र निवेदन है कि वो कृपया मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। और साथ साथ मैं निवेदन कर रहा हूँ डॉक्टर कनु भाई आचार्य, फेमस कॉलमिस्ट एंड पोएट डीसा से, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ ब्रदर जितेंद्र भार्गव, फॉर्मर स्पोक्स पर्सन एंड ऑथर एयर इंडिया मुंबई से, ब्रदर आशीष गुप्ता जो कि हमारे बीच में इंदौर से पधारे हैं, उनको भी मेरा नम्र निवेदन है कृपया वो भी मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। डॉक्टर बिन्नी सरीन, रीजनल डायरेक्टर ग्लोबल पीस इनिशिएटिव माउंट आबू से, उनसे भी नम्र निवेदन है कृपया मंच पर आए। ब्रदर ब्रह्मा कुमार संजय भाई, कोऑर्डिनेटर मीडिया विंग राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन मुंबई से, उनसे भी निवेदन है कृपया वो भी आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सिस्टर ब्रह्मा कुमारी रंजन बहन, जोनल कोऑर्डिनेटर मीडिया विंग गुजरात वलसाड से, कृपया मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। और सिस्टर ब्रह्मा कुमारी सरला आनंद, नेशनल कोऑर्डिनेटर मीडिया विंग राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन हैदराबाद से हमारे बीच में पधारे हैं, आप करतल ध्वनि के साथ उनका अभिवादन करते चलें। डॉक्टर ब्रह्मा कुमारी सुनीता बहन, राजयोग टीचर शांतिवन से, उनसे भी निवेदन है कृपया वो भी मंच पर आकर के स्थान ग्रहण करेंगे। अभी हमारा मंच पूरा सज गया है और हम आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति के परंपरा के अनुसार हम पहले 3 मिनट ईश्वरीय और किरणें हम सभी के ऊपर बिखेरें। हम इन्हीं शब्दों के साथ
मैं निवेदन कर रहा हूँ, सभी ईश्वरीय स्मृति में बैठेंगे। सबसे उत्तम यही सेवा करते चलो, सबके दिल में प्रभु प्यार भरते चलो। ओम शांति। हम सब जानते हैं कि हम किस दौर से गुज़र रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो भी अपनी चरम सीमा पर है। अनेक सुख सुविधाएं मानव को प्रदान की गई हैं, किंतु उनके बावजूद भी आज नकारात्मकता, हिंसा, विकृतियाँ जो समाज में आई हैं, इस दौर में जो सजग मानव हैं उसकी नज़रें लोकतंत्र के महत्वपूर्ण चौथे स्तंभ, वो आप सब जानते हैं, वो मीडिया पत्रकारिता पर लगी हुई हैं, कि वही इस अंधियारे वातावरण में अपनी लेखनी के माध्यम से पत्रकार लौ की किरण ला सकते हैं, हमारे समाज, राष्ट्र या विश्व के सामने जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान निकालने में पत्रकारी बहुत बड़ा योगदान डाल सकते हैं। तो सबकी निगाह समाधान केंद्रित मीडिया पर लगी हुई है। ना तलवार निकालो जब तो मुकाबिल हो, तो अखबार निकालो तो अखबार निकालो, इस प्रकार से सब लोग आपकी ओर देख रहे हैं और आप उस ईश्वरीय शक्ति के साथ मिलकर के इस संसार को एक भव्य दिव्य बनाने का कार्य करेंगे, ऐसा हम सबको उम्मीद है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं अब ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे आदरणीय वक्ताओं का आकर के स्वागत करेंगे। वो
फेलिसिटेशन बाय साफा सावर और बोके एंड बेजिस के द्वारा ब्रह्मा कुमारी बहन। जैसे जैसे उनको सम्मानित किया जाए, आप सभी इसमें सहयोगी बने करतल ध्वनि के साथ। करतल ध्वनि के साथ हम सब सहयोगी बने। यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस डायस। बहुत सुंदर नज़ारा नजर आ रहा है आज की नुमा शाम के समय। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के इस शांतिवन परिसर के अंदर, इस कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर अनेक मीडिया मनीषी, मीडिया के विद्वान यहाँ पर उपस्थित हैं। भी एक दिव्य गीत के लिए आमंत्रित करूंगा ब्रदर ब्रह्मा कुमार युग रतन, जो कि नेशनल स्पिरिचुअल सिंगर हैं और हमारे बीच में बहुत दूर से यहाँ पर पधारे हैं, छत्तीसगढ़ से, रायपुर से यहाँ पर आए हैं और उनके गीत के बोल हैं, चल रे मनवा हद के पार, चल रे मनवा हद के पार। क्योंकि यहाँ पर तो इस संसार के अंदर हदें हैं, पर हमारे मन को सुकून कहाँ मिलेगा, उसके पार वो हम सब इस दिव्य गीत के द्वारा आनंद लेंगे। तो आइए अब एक नई रास्ते पर जाना है। हम मानव को, मानव जाति को एक नए मार्ग की ओर, एक नए विश्व की ओर, जहाँ सकारात्मकता ही सकारात्मकता है और शांति है, जिसकी हम सभी उम्मीद रखते हैं, उस हद से पार इस संसार को लेकर जाना है।
चल रे मन वाहद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। चल रे मन वाहद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। बुला रहा बेहद संसार, बुला रहा बेहद संसार। चल रे मन वाहद के पार, चल रे मन वाहद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। चल रे मन वाहद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। चल रे मन वाचल, चल रे मन वाचल, चल रे मन वाचल। मेरा का जाल सुनहरा, राहों में माया ने है घेरा। ओ मैं मेरा का जाल सुनहरा, राहों में माया ने है घेरा। सच तो यहाँ कुछ भी ना तेरा, सच तो यहाँ कुछ भी ना तेरा। जग तो जैसे रैन बसेरा, बैठ न पंछी पंख पसार। चल रे मन वाहद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। चल रे मन वाहद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। के रंगमंच पर सब खेल खेलने आते हैं। खेल यहाँ पे तूने खेला, अब तो चलना तुझे अकेला। हाँ खेल यहाँ पे तूने खेला, अब तो चलना तुझे अकेला। छोड़ जगत का सकल झमेला, छोड़ जगत का सकल झमेला। कर ले प्रभु से मंगल मेला, देख तुझे वो रहा निहार। चल रे मन वाहद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। चल रे मन वाहद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। चल रे मन वाचल, चल रे मन वाचल, चल रे मन वाचल, चल रे मन वाचल। आखिर वो भी पल आएगा, काम नहीं कुछ कल आएगा। हो आखिर वो भी पल आएगा, काम नहीं कुछ कल आएगा। पुण्य कर्म ही साथ चलेंगे, पुण्य कर्म ही साथ चलेंगे। अपने किए का फल पाएगा, आज ही हो जा तू बलिहार। चल रे मन वाहद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। बुला रहा बेहद संसार, बुला रहा बेहद संसार। चल रे मन वाहद के पार, चल रे मन वाहद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। चल रे मन वाहद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। चल रे मन वाहद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार।
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता ब्रह्मा कुमार युग रतन जी, क्योंकि इस संसार में व्यक्ति अकेला आता है और अकेला ही जाता है, परंतु उसे ऐसे कर्म करने चाहिए ताकि दुनिया उसको याद रखे। और अभी आप सभी का स्वागत करने के लिए कुमारी रश्मि सोनी गोरखपुर से पधारी हैं। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ये गीत के बोल हैं और एक नृत्य आपके सामने प्रस्तुत कर रही है कुमारी रश्मि सोनी।
बहुत बहुत धन्यवाद। कुमारी रश्मि, आपने सभी का मन मोह लिया अपने नृत्य के द्वारा, और अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ ब्रदर ब्रह्मा कुमार संजय भाई, जो कि हमारे मीडिया विंग राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन मुंबई से आए हैं। आप सभी मीडिया कर्मियों की वहाँ पर बहुत सेवाएं करते रहते हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप शब्दों के द्वारा, पहले तो हम सभी ने पुष्पों के द्वारा और उसके पश्चात गीत के द्वारा, इसके अभी तुरंत पहले हमने नृत्य के द्वारा आप सबका स्वागत किया, और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ ब्रदर संजय को, वो शब्दों के द्वारा आप सभी का स्वागत करेंगे। ब्रदर संजय, ओम शांति। आप सबको यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है, और पिछले दो दिनों से जो मीडिया के इतने सत्र चले, इतना गहराई से डिस्कशन हुआ, वो बहुत ही सराहनीय था। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। इतने मीडिया प्रोफेशनल्स पूरे भारत और नेपाल से आए हैं, और इतना प्रकाश डाला आप सभी ने मिलकर पॉजिटिव हेडलाइंस पर, पॉजिटिव न्यूज़ पर, और कैसे एक मीडिया कर्मी अपने दायित्व को निभाए, और जो समाज का उत्थान है वैसी ही न्यूज़ प्रकाशित करे। लेकिन मैं समझता हूँ एक तरह से डिफ़िकल्ट भी है आज के दौर में, बट जितना जितना हम आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाते हैं और दृढ़ता से संकल्प लेते हैं कि नहीं, हमें नए समाज के परिवर्तन में अपना व्यक्तिगत काबू में है। आपको बहुत से ओम शांति एंड वेरी वेरी स्पेशल ग्रीटिंग्स ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस टू ऑल ऑफ यू। आज के हमारे कार्यक्रम के चेयरपर्सन हमारे आदरणीय भ्राता मृत्युंजय जी, हमारे आज के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी, और हमारे स्टेज पर, मंच पर गैलेक्सी ऑफ एमिनेंट स्पीकर्स एंड ऑल ऑफ यू मीडिया लीडर्स फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया सिटिंग हेयर। आज का विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और आप पिछले दो दिनों से इसके बारे में पहले से ही सुन रहे हैं, और आज जो ये विषय को हम एक समाधान के रूप में ले रहे हैं, साथ ही सॉल्यूशन सेंट्रिक मीडिया द नीड ऑफ द आवर। जीवन के अंदर कठिनाइयों को दूर करने के लिए, एक नया रास्ता दिखाने के लिए, निराशा में आशा और उज्जवल भविष्य बनाने में आज मीडिया का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, और हम सभी जानते हैं, उसके बारे में हमने सुना भी है। लेकिन आज यहाँ पर जो हम एक मैसेज के साथ जाएंगे, हाउ टू बी द लीडर्स एंड हाउ टू गिव द मैसेज टू द वर्ल्ड, हाउ टू गिव द प्रॉपर गाइडेंस, जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें एक मीडिया का बहुत ऊंचा रोल सामने आता है, जिसमें समाधान है, गाइडेंस है, मूविंग फॉरवर्ड है, और एक नई दिशा देने की बात है। क्योंकि अब समय बदल रहा है, और आज अगर ज़रूरत है हमारे जनरेशन को, यूथ को, उनको एक नई दिशा देने की। हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं,
इंटरनेट के पीछे हम कितने कॉन्शियस रहते हैं, लेकिन जब तक हमारा इनर नेट ठीक नहीं है, इनर नेट जो आप सुन रहे हैं मेडिटेशन सेशंस में, कि माइंड का जो इनर नेट है, जो मेडिटेशन जब हम करते हैं या कॉन्सेंट्रेशन करते हैं या पॉजिटिव रहते हैं, तो आज बहुत ज़रूरत है इनर नेट को ठीक करने की। इसीलिए इन जो शब्द है वो हमें एम्पावर करता है कि हमारे माइंड को हम कैसे पावरफुल बनाएं। जब हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तब भी पहले आई एन है, यानी गो विद इन, लुक विद इन, सी विद इन, बी पॉजिटिव विद इन। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मीडिया। आई वुड लाइक टू कोट महात्मा गांधी हियर दैट ही हैज गिवन अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी पावरफुल गाइडलाइंस फॉर द सोल्यूशन ऑन द रोल ऑफ मीडिया। गांधी जी लुक्ड अपॉन जर्नलिज्म एज अ मीन्स टू सर्व द पीपल। He has written in his biography, My Experiments with Truth. He has written, Indian opinion was a part of my life. Week after week, I poured out my soul. In its columns and expounded the principles and the practice of Satyagraha as I understood it. अगर हम देखें तो बहुत सारी personalities हैं जिन्होंने कि मीडिया को एक ऐसी राह दी, एक दिशा दी कि जीवन के अंदर कैसे सही मार्गदर्शन हम पा सके। मैं बहुत छोटी आयु में संस्था से जुड़ गई, जब मैं 6 साल की ही थी। मैंने देखा कि हमारे फाउंडर पिता श्री ब्रह्मा बाबा, उनके लिखे हुए उस समय कितना सिंपल मीडिया होता था, जो कि प्रिंट मीडिया या हैंड रिटन मीडिया, उनके लिखे हुए पत्र आज भी लाखों लोगों को इंस्पिरेशन दे रहे हैं और इतने सारे लोगों का जीवन बदल दिया। आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि एक जीवन को बदलने के लिए एक वाक्य ही बहुत होता है। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो मेरे माइंड में कुछ स्टेप्स आ रहे हैं, सिंपल स्पिरिचुअल स्टेप्स जो हमने इस संस्था में सीखे, हमें मार्गदर्शन मिला। और ये मार्गदर्शन हमें बहुत आगे बढ़ाते रहे। सबसे पहली बात जो हमने सीखी स्पिरिचुअल सिंपल स्टेप्स में वो है अलर्ट माइंडसेट। It is very important as a media person, we should have positive mindset, alert mindset, progressive mindset, and the mindset which can take us more and more forward in our life. And that is possible more and more when we get ourselves related and experience meditation in our day-to-day life. Be responsible. Jo media hai uska aaj रोल बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम देखते हैं कि जिम्मेवारी आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि 24 घंटे कहीं ना कहीं लोग आपको देखते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मीडिया के रूप, पूरे वर्ल्ड में पूरे देश पर होता है। इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है सी मीन्स कवरेज ऑफ इश्यूज़ इन सच अ वे दैट इट शुड ऑल्सो गिव द पॉजिटिव मैसेज। इसीलिए अगर हम ऐसी लाइफ स्टोरीज दें, अगर ऐसी सक्सेस स्टोरीज दें जिससे कि एक वैल्यू बेस्ड मीडिया का भी मैसेज जाए, तो हो सकता है कि हम वर्ल्ड में बहुत कुछ दे सकते हैं। डी मीन्स डोंट गेट सेट बैक, पीछे नहीं हटना है, डोंट लूज होप, और आगे बढ़ना है, क्योंकि चैलेंजेस की बात ऑलरेडी हो चुकी है, आपके सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस होंगे ही होंगे, लेकिन चैलेंजेस को दूर करने के लिए हमें आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन बहुत बहुत मदद करता है। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति बहुत सीनियर फिलोसोफर के पास गए सल्यूशन के लिए, और उन्होंने
उस फिलोसोफर को ये पूछा कि मुझे आपके बारे में किसी ने कुछ कहा है? फिलोसोफर ने कहा, वेट, जस्ट वेट एंड स्टॉप फॉर अ मोमेंट, होल्ड डाउन, लिसन माय थ्री क्वेश्चंस, जो आप मुझे कहने जा रहे हैं इज इट यूजफुल? उस व्यक्ति ने कहा नो. दूसरी बात उन्होंने कहा, इज इट ट्रू, जो आपको कह रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो सत्य है? उस व्यक्ति ने कहा नहीं. फिर तीसरी बात उसके सामने आई, जब ट्रूथ और यूजफुल, तीसरी बात इज इट गुड, उस व्यक्ति ने कहा नहीं. तो जब तीनों ही बातें हैं नहीं हैं, तो आप मुझे क्यों बताना चाह रहे हैं? एक मैसेज मिला जो हमें स्पिरिचुअलिटी में मिलता है, जिस इज कॉल्ड द थ्री फिल्टर्स ऑफ द लाइफ. जब भी हम लिखें, जरूर सोचें, इज इट राइट, इज इट गुड, अगर देना भी है तो ज़रूर दीजिए, लेकिन उसके साथ में हम जरूर मैसेज भी दें, एक इंस्पिरेशन भी दें. मैं कुछ साल पहले यूएसए में थी, उस समय एक बहुत बड़ी घटना हुई थी यूएसए में, पर मैं हैरान थी कि भारत के चैनल उसे दे रहे थे, लेकिन यूएसए ने उस न्यूज़ को इस ढंग से पेश किया जिससे कि उनके पूरे वहाँ रहने वाले लोगों पर ऐसा कोई असर ना पड़ जाए या वो वायलेंस पे ना उतर जाए. मुझे बहुत हैरानगी हुई कि कितने अच्छे ढंग से वो उन्होंने वही न्यूज़ को पेश किया जिससे कि शांति भी बनी रहे. तो हमें बहुत बहुत आवश्यक है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें. मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, हमारे बहुत सारे वक्ता बैठे हैं. बस इन्हीं शब्दों के साथ में मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जब हम यहाँ से जाएं, जो आपको इतना अच्छा समय मिला है, वो समय का उपयोग करते हुए आपका बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, तो हम एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ जाएंगे, जिसमें कि मैं ये मान के चलती हूँ कि आजकल जो स्टडी हो रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि सबकॉन्शियस माइंड को, पावरफुल वाक्य को हम दोहराएं, जो हम मेडिटेशन में करते हैं. कहते हैं कि काफिला बनाने के लिए हम आगे बढ़े, हौसला बुलंद कर मीडिया, तुम रास्ते पर चल दे, कठिन है रास्ते पर मंजिल दूर नहीं, हौसला रख चल दे, तू एक कदम तो बड़ा, काफिला खुद ब खुद बनता चला जाएगा, काफिला खुद ब खुद बनता चला जाएगा. ऐसा एक काफिला बनाना है. और अंत में मैं आपको कहूँगी कि राइट हैंड ऊपर करेंगे और मेरे साथ दोहराएंगे पॉजिटिव अफर्मेशन मेडिटेशन के वाक्य, आई कैन डू, आई एम ग्रेट, आई एम पॉजिटिव, आई एम सल्यूशन. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बिन्नी बहन, आपने अपना वक्तव्य समय पर संपन्न किया. और मेरा आगामी माननीय वक्ताओं से भी निवेदन रहेगा कि वो भी समय का ध्यान रख करके अपने समय के अनुसार से उसको पूरा करेंगे. अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ ब्रदर जितेंद्र भार्गव, फॉर्मर स्पोक्स पर्सन एंड ऑथर, एयर इंडिया मुंबई से यहाँ पर पधारे हैं. आपने लगभग 20 साल तक, 20 वर्षों तक आपने एयर इंडिया में कार्य किया है, पर आपने जब अपना कैरियर शुरू किया था वो एज ए जर्नलिस्ट शुरू किया और बहुत सी कंपनीज़ के अंदर वहाँ पर रहे. आपका एक विशेष बुक भी प्रसारित हुआ है, द डिसेंट ऑफ एयर इंडिया. बहुत से देशों में भी आप गए और आपको बहुत से वो अवार्ड्स भी प्राप्त हुए हैं. मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने विचार हमारे सामने रखेंगे. मैं इनके बारे में दो शब्द कहना चाहूँगा. महक उठा ये घर आंगन जब से आप पधारे हैं, ऐसा एहसास होता है जन्मों से आप हमारे हैं, जन्मों से आप हमारे हैं.
ओम शांति। ब्रह्म कुमारी संगठन का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने एक तो आमंत्रित किया बोलने के लिए, रिक्वेस्ट की, और तीसरा चीज़ एक ऐसे सब्जेक्ट पे बोलने के लिए कहा जो कि एक बर्निंग इशू है। सॉल्यूशन सेंट्रिक मीडिया इज द नीड ऑफ द आवर। हम लोग जो मीडिया से एसोसिएटेड नहीं हैं वो शायद ये मान जाएं कि परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि जब मैं बम्बई से चला था 28 तारीख को तो मेरे दिमाग में कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने जॉट डाउन किए, लेकिन पिछले दो दिन में इतने वक्ताओं ने इस सब्जेक्ट के ऊपर में भाषण दिया मीडिया के बारे में, मीडिया कितना महत्वपूर्ण है, क्या रोल प्ले करता है, क्या नैरेटिव्स होते हैं, सब कुछ हो गया है। तो मेरे जो पॉइंट्स जो बम्बई चलने के समय थे वो शायद आप सब सुन चुके हैं, तो मेरे को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने अपना ही एक तरीका निपटाया, मैंने कहा चलो मैं क्यों नहीं अपने दो एडिटर्स फ्रेंड को आज फ़ोन कर लूँ, या आज दोपहर 1 से 2 बजे की बात है, और उनको पूछूं कि वो क्या परिवर्तन समझते हैं मीडिया में आना चाहिए अगर हम इस लॉजिक के साथ चल रहे हैं कि वी आर लुकिंग फॉर सॉल्यूशन सेंट्रिक मीडिया। इंस्टेंट जवाब, बदलने की आवश्यकता ही क्या है, मीडिया तो बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। ये सीनियर पीपल जो कि 50 साल के ऊपर हैं उनका व्यू है। तो मैंने उनको जैसे कि होना चाहिए इंटरोगेट करते हैं, मीडिया वाले भी पूछते हैं क्वेश्चन, मैंने पूछा कि अच्छा ये बताओ जब हमारे साथ में ये कुलीग होता था उतने साल पहले, वो आज के जर्नलिस्ट से ज़्यादा नॉलेजेबल होता था कि कम नॉलेजेबल है? कहते नहीं, वो ज़्यादा नॉलेजेबल होता था, लेकिन आज का जर्नलिस्ट बहुत ज़्यादा काम करता है और बहुत फास्ट स्पीड पर उनको काम करना पड़ता है। मैंने कहा देखो बात रही नॉलेज की, वॉज दी जर्नलिस्ट 20 years ago मोर नॉलेजेबल देन अ जर्नलिस्ट टुडे? इसके बाद क्रेडिबिलिटी पे बात आई। मैंने कहा क्रेडिबिलिटी की बात बताओ, उस समय अगर कोई जर्नलिस्ट गलत खबर छापता था ही यूज टू बी रिप्रिमांडेड और सैक बाय द एडिटर। आजकल हम ये नहीं सुनते हैं, क्योंकि जो अब एडिटर्स बने स्टेज पे बैठे हैं वो भी इस साल से गुजरे हैं कि भई हम भी कभी कभी मोटिवेटेड स्टोरीज को चलाते हैं तो मॉरल राइट नहीं रहा है। और तीसरी चीज़ होती है कन्विक्शन, कि आपके पास कन्विक्शन क्या है जब आप एक कोई स्टोरी लिख रहे हैं। तो तीनों चीज़ के ऊपर मैं अंत में वो सहमत हुई कि हाँ, तो मैंने कहा परिवर्तन की आवश्यकता है। तो फर्स्ट थिंग वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई उनको कन्विंस किया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर कोई भी चेंज आएगा तो जो 50 55 60 साल के जर्नलिस्ट हैं सीनियर पोजीशंस पे हैं उनको एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभानी पड़ेगी। तो ये जब पहली बात हुई ख़त्म इसके ऊपर में, मैंने कहा देखो आजकल क्यों इतने सारे लोग परेशान हैं, जैसे कि मैंने उनको बताया कि कम से कम 15 वक्ताओं ने इस सेमिनार के अंदर में अपने व्यूज व्यक्त किए और उन्होंने ये कहा कि नई परिवर्तन की आवश्यकता है, ऑल इज नॉट वेल। क्योंकि ये भी सब लोग समझते हैं कि जो पत्रकारिता में सिखाया जाता है कि नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। मैंने कहा लेकिन आप लोगों ने इसको उल्टा कर दिया है, दैट गुड न्यूज़ इज़ नो न्यूज़। अब अखबार वाले यही समझते हैं कि कोई अच्छी खबर हो तो वो तो छापने लायक नहीं है। जैसे शिवानी बहन ने उस दिन कहा था कि लोग TRP के चेज कर रहे हैं, नेगेटिव न्यूज़ है, और फिर कहते हैं कि ये तो जनता मांग रही है इसलिए हम इसको दे रहे हैं, तो बड़ी गलत चीज़ बात है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि एक एडवर्टाइजमेंट आजकल रिसेंटली आया था जब कौन बन गया करोड़पति का नया सेशन चालू होने वाला था, अमिताभ बच्चन के लिए उन्होंने दो वक्ताओं ने गलत क्वेश्चन जवाब दिए, तो उन्होंने एक चीज़ बोली कि ज्ञान जहाँ से मिले बटोर लो लेकिन पहले टटोल लो। हमारे पत्रकार जो रहते हैं उनको जब स्टोरीज मिलती हैं वो ना तो अपना दिमाग लगाते हैं ना क्रॉस वेरीफाई करते हैं लेकिन स्टोरी छाप देते हैं, क्योंकि जैसे कि बताया गया आपको कि मैं एयर इंडिया में रहूं, मेरा ग्लोबल पर्सपेक्टिव है। तो मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। आज से 6-8 महीने पहले कुछ मीडिया ने इम्पोर्टेंट टेलीविजन चैनल्स के अंदर में इंटरव्यू किया और एक लीडिंग इकोनॉमिस्ट इंडियन ओरिजिन के लेकिन अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और श्रीलंका की इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी से बेटर है। टेलीविजन पे खूब चला, न्यूज़पेपर प्रिंट ने भी उनको कोट किया, लेकिन 8 महीने के बाद हम क्या देखते हैं कि श्रीलंका की इकोनॉमी बांग्लादेश की इकोनॉमी एकदम इन द डम्स है। मदद मांग रहे हैं, इंडिया से मदद मांग रहे हैं। अब क्या वो इकोनॉमिस्ट, क्या वो टीवी एंकर्स, क्या वो एडिटर्स देश के सामने अपॉलॉजी ऑफर करेंगे कि देखो हमने इंडिया को रन डाउन करने किया?
क्योंकि एक एजेंडा के हिसाब से आजकल मीडिया चल रहा है, जैसे हम सब सुनते हैं टूल किट के बारे में कि ये नैरेटिव को इस्तेमाल करो और इसको फैलाने दो, तो ये बड़ा चैलेंज है इस चीज़ के ऊपर में। तो हमारे लोगों को देखना है, ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, और क्योंकि ग्लोबलाइज मीडिया है, एक खबर आप एक डिस्ट्रिक्ट में से होती है वो भी इंटरनेशनल मीडिया में चली जाती है, अगर वो कोई नेगेटिव सेंस में है, नैरेटिव में है, उनके एजेंडा के पर्सपेक्टिव के साथ साथ चलती है। आप लोगों ने अभी बहुत कुछ दिन पहले ही सुना होगा दिल्ली के अंदर में जो लिकर स्कैंडल चल रहा है, तो वहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करते हैं, दो न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिशन होते हैं, एक कहते हैं देखो हमारा एजुकेशन मॉडल कितना बढ़िया है, और इसी पेपर ने कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले कहा था लाखों बॉडीज रिवर में फ्लोट कर रही हैं। अब कोई तो जर्नलिस्ट उठता और बोलता कि आप लाखों क्यों बोल रहे हैं, ये तो सैकड़ों की बात थी। अब क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम जैसा अखबार है ये कोट करते जाएंगे, और मीडिया में क्या होता है कि अगर आप रिबट ना करें, रिफ्यूट ना करें रिपोर्ट को, वो बाद में कोट की जाती है कि देखो वहाँ छपा था, ये तो ऑथेंटिक रिपोर्ट है, देयर वाज नो डिनायल फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो हम जब देश की इमेज को देखते हैं कि कैसे कैसे प्रहार होता है और उसको कैसे करना है, तो अगर हमको चाहिए कि हमारे मीडिया रिएक्ट करें, रिस्पॉन्सिबली करें, देश को नुकसान ना पहुँचाएं, नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, क्रेडिबिलिटी को इन्हांस करना पड़ेगा, और साथ में जो जुनून होता है कि ये मेरे देश के लिए कर रहा हूँ मैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि सही रिपोर्टिंग हो, लेकिन जब गलत रिपोर्टिंग होती है तो देश की इमेज पे उसका प्रभाव पड़ता है। ये तो हमारे एक स्ट्रांग लीडर इंडिया में हैं कि हमारी इमेज बढ़ रही है, कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन आप सोचिए अगर हमारे पास पॉलिटिकल लीडरशिप वीक हो, तो ये जो बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो कैसे मीडिया के थ्रू देश को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि कैसे इंडियन जर्नलिस्ट का इस्तेमाल होता है न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, इन अखबारों द्वारा। वो साफ साफ लिखते हैं कि हमको इस बेसिस, इस थिंकिंग के ऊपर में आर्टिकल चाहिए, और इंडियन भी आर्टिकल लिखते हैं देश को रन डाउन करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी गंभीर स्थिति है हम सब के लिए कि मीडिया कहाँ जा रहा है और देश को कहाँ ले रहा है। अगर हमको स्वर्ण भारत बनाना है तो स्वाभाविक है कि जो रोल्स प्ले कर सकते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस, वो सही रास्ते पर आए। लेकिन क्या मीडिया तैयार है? क्या हम लोग मीडिया पर प्रेशर डाल सकते हैं? क्या हम लोग वो चैनल्स को इग्नोर कर सकते हैं जो कि अच्छी तरह से रिपोर्ट नहीं करते, क्रेडिबिलिटी के साथ नहीं करते हैं? वो सबको है। आप लोगों ने काफ़ी बारी देखा होगा टेलीविज़न को देखते हुए कि टेलीविज़न के अंदर में भी अब ये आ गया है, वो कहते हैं न्यूज़ विदाउट नॉइज़ विच इज़ एन अटैक ऑन अदर सक्सेसफुल चैनल्स, की देखो उनके बारे में हम अलग अलग कर रहे हैं। तो हम सब लोगों ने स्कूल में सुना था, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। सो वी हैव अ मीडिया विच इज़ ह्यूजली डिवाइडेड, polarized, have no concern। तो जो first thing हमको चाहिए succeed करने के लिए वो ये है कि patriotic feeling आनी चाहिए, कि अगर हम कोई गलत चीज़ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जिसका कि प्रभाव देश की इमेज पे पड़ता है, हमें कुछ करना चाहिए, रोकना चाहिए। और मीडिया वालों को तो हक है, और आपने टीवी पे तो ये देखा होगा वो कैसे अपना रोल प्ले नहीं करते हैं। आप जैसे, मैं भी बहुत बारी टेलीविज़न पे आता हूँ और इंटरव्यू दे चुका हूँ कि आपके सामने माइक रखा, आप कुछ बोल लो, क्योंकि उस लेवल का जो रिपोर्टर जो माइक लेके घूम रहा है उसको इतनी नॉलेज नहीं है कि वो दिमाग पूछे कि काउंटर करे कि ये क्यों होता है। तो ये जो नॉलेज, क्रेडिबिलिटी, कन्विक्शन और नेशनल फीलिंग का आना आवश्यक है। जब तक ये नहीं आएगा और हम लोग मीडिया को फोर्स नहीं करेंगे, तब तक ये सोचना कि हम मीडिया में चेंज ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं, मेरे ख्याल से नहीं होगा। लेकिन मैं बिल्कुल, मैंने अभी पेपर नहीं पढ़ा है क्योंकि जो एक्शन प्लान बाद में प्रेजेंट होने वाला है, तो जरूरी बात है कि पूरा समर्थन देंगे कि परिवर्तन आए, क्योंकि ये देश के हित में है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जितेंद्र भार्गव जी, आपने बहुत सुंदर विचार रखे किस प्रकार से हमें राष्ट्र का निर्माण नया करने के लिए, राष्ट्र के लिए क्या कुछ करना चाहिए अपने मीडिया को। और अब मैं
भ्राता आशीष गुप्ता जो कि इंदौर से हमारे बीच में पधारे हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रेडियो सरगम इंदौर के, उनसे निवेदन है कि अपने विचार हम सभी के सन्मुख रखेंगे। आप समय प्रति समय यहाँ पर आते रहते हैं और चीफ एडिटर डेली मॉर्निंग न्यूज़पेपर के भी हैं और डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन भी हैं लायन क्लब इंटरनेशनल के और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय वैष्णव पोखरण महासभा। आपसे निवेदन है कि आप बहुत से चैनल्स पर भी अपने कार्यक्रम देते रहते हैं, आज आपके पास इस नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस के अंदर अपने विचार रखने का विशेष समय दिया गया। जय हिंद, बोलिए जोर से, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नमस्कार साथियों, आज के इस शानदार जानदार 3 दिवसीय आयोजन, क्योंकि 29 तारीख से 2 सितंबर तक चलना है और इस समाधान परक पत्रकारिता से समृद्ध भारत की ओर विषयक इस आयोजन में राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन का निमंत्रण मिला था और मेरे पत्रकार साथियों की उपस्थिति ने इस सम्मेलन को महासम्मेलन बना दिया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आज के हमारे आयोजन में मैं समय में ही पूरा करूंगा, नाम भी लूंगा तो समय में ही पूरा कर दूंगा, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय श्रद्धेय मृत्युंजय भाई साहब को मैं इस मंच से सादर प्रणाम करता हूं, उनको वंदन करता हूं। साथ ही हमारे बीच में हमेशा से कई सालों से मीडिया में कई हमारे साथियों को भी मार्गदर्शन देती रही हैं, ऐसी हमारी बहुत ही कहना चाहिए ज्ञान की देवी हैं, ऐसी हमारी आदरणीय सरला आनंद बहन जी को भी मैं सादर प्रणाम नमस्कार करता हूं। साथ ही हमारे बीच में प्रोफेसर संजय द्विवेदी साहब हैं, मैं उनको भी नमन करता हूं। साथ ही हमारे बीच में रीमा सरीन जी मुंबई से आई हैं, मीडिया जगत के कार्यक्रम में यदि ग्लैमर भी आ जाए तो साहब 4 चांद लग जाते हैं, तो उनके लिए भी तालियां बजा दीजिए। और साथ ही हमारे साथ में हमारी प्रिय भाई संजय भाई साहब मुंबई से आए हैं और ग्लोबल हॉस्पिटल में अक्सर हम जब भी जाते हैं तो एक मुस्कुराता चेहरा हमारा वेलकम करता है, ऐसी हमारी आदरणीय डॉक्टर बिन्नी सरीन जी। और सभी सम्मानीय हमारे साथीगण ब्रदर जितेंद्र भार्गव साहब, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, मैं उनकी बात से काफ़ी सहमत था और यहाँ पर बहुत अच्छा गीत प्रस्तुत किया युगराज भाई ने। साथ ही हमारे आज मेडिटेशन कराएंगे हमारी आदरणीय सुनीता बहन जी, उनको भी प्रणाम नमस्कार है। साथ ही आज के इस आयोजन को बहुत अच्छे से जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं भाई करमचंद जी को भी मैं सादर वंदन करता हूं, साथ ही संपूर्ण मंच और सबसे अधिक इस मंच से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे पत्रकार साथियों, मैं आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। स्वच्छता में 5 बार, स्वच्छता में, बात को सुनिएगा, स्वच्छता में 5 बार नंबर 1 आने वाले देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की धरती से आप सभी पत्रकार भाइयों का वंदन, अभिनंदन, स्वागत। रेडियो सरगम 90.8 FM से मैं आशीष गुप्ता यहां पर आया हूं, इस मीडिया सम्मेलन में अभिभूत हुआ हूं आकर। साथियों, विषय बहुत अच्छा था और आज मुझे ये अच्छा लगा कि समाधान केंद्रित मीडिया
समय की मांग है। समाधान अभी तक जो मीडिया की जो सीन दिखाया गया सामने, या जो मीडिया के बारे में जो चर्चाएं होती है कि मीडिया को अक्सर दोष दिया जाता है कि मीडिया आजकल ऐसी हो गई है, मीडिया वैसी हो गई है। अभी हमारे इस पूरे कार्यक्रम के दौरान मैंने कई वक्ताओं को सुना, तो मीडिया के एक पक्ष को देखते हुए दोनों पक्ष को देखा जाए, सिर्फ मीडिया दोषी नहीं है। अभी पूर्व वक्ता ने बताया, उन्होंने भाई साहब ने, कि जैसे कई लोगों को पूछते हैं तो बोलते हैं कि जैसी न्यूज़ जनता चाहती है या जैसी न्यूज़ श्रोता चाहते हैं वैसे ही अखबार निकलते हैं। तो साथियों, जब हम अखबार लेने जाते हैं तो 5 रुपए में हम 25 पेज का अखबार खरीदना चाहते हैं। एक साथी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जब पिज्जा खरीदने जाते हैं तो 100 रुपए का पिज्जा खरीदते हैं, लेकिन जब देश और दुनिया की खबर लेने की बात आती है तो हमें 5 रुपए का अखबार बहुत महंगा लगता है। तो आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि आपको अपने हिसाब से अखबार मिलेगा, क्योंकि कलम तो आप खरीद रहे हैं क्योंकि आप उसको विज्ञापन पे आधारित कर रहे हैं। तो हमें भी मीडिया के प्रति, आम लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। शुक्र मनाइए, हम FM रेडियो चलाते हैं और हमें इस विषय पर बहुत अच्छी बात कहने को मिलती है कि हमारा रेडियो हमेशा समाधान पूरक काम करता है। कभी भी आप रेडियो पे कोई नेगेटिव खबर नहीं सुनेंगे या नेगेटिव बात नहीं सुनेंगे। हम जब हमारी RJs बोलती हैं तो शहर में यदि कहीं जगह ट्रैफिक जाम है तो बीच बीच में हम लोग समाधान देते हैं कि आज राजबाड़ा में ट्रैफिक जाम है, आज जवाहर मार्ग में ट्रैफिक जाम है, कृपया श्रोतागण संभल के जाएं। तो ये एक छोटी छोटी पहल होती है, तो इस तरह से समाधान होता है। तीसरी बात, समाधान की बात आई थी तो कोरोना काल में हमने मीडिया को देखा था। साहब, कोरोना काल में मीडिया ने सबसे सशक्त भूमिका निभाई थी। कितने मर रहे हैं, कितने जान दे रहे हैं, कितनी हालात खराब है ये तो देते थे, लेकिन मेरे मीडिया साथी अपनी जान जोखिम में डालकर उस दौर में भी कवरेज कर रहे थे और सारे मीडिया, हिंदुस्तान का पूरा मीडिया जनता को अवेयर कर रहा था, जनता को जागरूक कर रहा था। वो सकारात्मक स्वरूप हम सब ने कोरोना काल में हमारी मीडिया को देखा है, इसलिए हमारी मीडिया सकारात्मक कार्य कर रही है हिंदुस्तान में। लेकिन ठीक है, कुछ कॉरपोरेट्स ने अपने हाथ में लिया। अब कॉरपोरेट्स ने जब मीडिया को हाथ में लिया तो कई लोगों को ने मीडिया को दोष देना शुरू किया। होता क्या है कि जब हम डिबेट देखते हैं तो आजकल डिबेट से मन उबने लग गया है। जब डिबेट देखते हैं तो अभी भाई साहब ने जैसे बोला कि जो भी एंकर होते हैं वो इतनी तैयारी से ही नहीं आते हैं कि वो जिस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं, कोई भी मुद्दा ले लीजिए, मुद्दों की बात यहाँ नहीं करूँगा क्योंकि आजकल कई विवादित मुद्दे भी चल रहे हैं, तो जब किसी मुद्दे पर बात होती है तो दर्शक उसको देखने के लिए बैठते हैं कि आज इस गंभीर मुद्दे पर बात होने वाली इस चैनल पर, और वहाँ पर बुलाया जाता है विशेषज्ञों को कि आज हमारे बीच में फलाने विषय के सब्जेक्ट के विशेषज्ञ हैं, आज इसके विशेषज्ञ हैं। लेकिन जब विशेषज्ञ डिबेट करते हैं तो वो क्या करते हैं, डिबेट नहीं करते बल्कि आपस में ऐसी लड़ाई करते हैं कि हमें किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती है, और ऐसे झगड़े करते हैं कि वो संज्ञा देना भी गलत है। शानदार मंच से आप समझ सकते हैं मेरा कहने का तात्पर्य कि जिस हिसाब से लड़ते हैं वो लड़ाई कैसे, गलियों की जो लड़ाई होती है उस तरह की लड़ाई वो करते हैं। अब हमारा ये मानना है, मैं अपनी बात इसके साथ समाप्त करूँगा, कि हम जिस विशेषज्ञ को बुलाते हैं तो ये कहकर बुलाया जाए मीडिया में कि हम जिस विषय पर आपको बुला रहे हैं साहब, यहाँ पर आपको लड़ने के लिए नहीं बल्कि विशेषज्ञ के नाते इस सब्जेक्ट पर आप समाधान प्रस्तुत करें। यदि 5 हमने विशेषज्ञ बुलाए हैं और 5ों यदि अपने अपने समाधान देंगे तो लोग इंटरेस्ट से TV देखेंगे, इंटरेस्ट से अखबार पढ़ेंगे, और ये चीज़ अब हमारे सभी साथियों को मिलकर इसका प्रेशर बनाना पड़ेगा। और मीडिया के जितने बड़े संस्थान और ऑर्गेनाइजेशन और जितनी कमेटियां बनी हुई है उनसे ये अनुरोध करना पड़ेगा। भाई साहब, आप ने अभी
मूल्यवर्धक मीडिया का आपने कार्यभार संभाला है, हमारे पूर्व के भी सभी लोगों ने उस पर बहुत प्रयास किया है, आपसे विशेष आशाएं हैं कि इस संगठन के माध्यम से ये देश के सभी मीडिया जगत के लोगों पर एक प्रेशर बनाया जाए और प्रेशर यही बनाया जाए कि वहाँ पर लड़ाई उस तरह की ना हो बल्कि उन विशेषज्ञों को बुलाया जाए जो समाधान प्रस्तुत करें। देखिए मीडिया का स्वरूप बदलेगा, आप लोग मजबूती से अपना काम करिए। ज्ञान हम देने वाले पत्रकार हैं, एक शब्द को अब दिमाग से निकालना होगा कि जैसे लोग चाहते हैं वैसा पत्रकार लिखे, नहीं, पत्रकार बुद्धिजीवी होता है, पत्रकार के विचार समाज को प्रभावित करते हैं। आज़ादी के पहले समाचार लोगों को उद्वेलित करते थे आज़ादी के लिए, उसकी कलम में वो ताकत होती थी। उस समय अंग्रेजों से लड़कर हमारे पत्रकारों ने देश की स्वतंत्रता में अपने विचार जन जन तक पहुंचाए हैं। हम सब एक प्रेरणा लें, इस भगवान के घर में आए हैं, इस भगवान के घर में एक विशेष शक्ति लेकर जाएं और ये तय करें कि अब हम जनता के हिसाब से नहीं वरन जो वास्तविक समाचार है उसे दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, अपनी बौद्धिक क्षमता के साथ उनको प्रस्तुत करें और एक ऐसे पत्रकार बनने का प्रयास करें जो समाज को बदलने में अहम भूमिका निभाए। मजबूती के साथ पत्रकारिता के इस प्रोफेशन को आगे बढ़ाइए, इस घर से बहुत शक्ति लेकर जाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी को प्रणाम नमस्कार वंदन करते हुए जय हिंद जय भारत, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता आशीष गुप्ता जी, आपने मीडिया का पॉजिटिव स्वरूप भी सबके सामने रखा। हम सब प्रोस एंड कॉन्स दोनों देखते हैं, परंतु फिर भी इस जगत को सुख सुविधाओं से संपन्न करने के लिए हम सबको मिलकर के प्रयास करने होंगे, ये आप अवश्य मानेंगे। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ आज के इस कार्यक्रम के चेयरपर्सन और साथ साथ ब्रह्मा कुमारी इसके एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी और हमारा एजुकेशन विंग है उसके भी आप चेयरपर्सन हैं, भ्राता राजयोगी डॉक्टर मृत्युंजय भाई जी, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप साथ साथ डायरेक्टर हैं क्लीन द माइंड ग्रीन द अर्थ ए ग्लोबल इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के और नेशनल कोऑर्डिनेटर लिविंग वैल्यूज़ के भी हैं जो यूनेस्को और यूनिसेफ के द्वारा चलाई जा रही है। गवर्निंग मेंबर हैं आप राजयोग एजुकेशनल रिसर्च फाउंडेशन के और आपने फिल्म भी जो है वो भी तैयार की है, उसके साथ साथ बहुत सी इंटरव्यूज़ रेडियो टीवी इत्यादि पर अनेक की हैं और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज की। मैं बहुत कुछ और ना कहता हुआ आपके निवेदन कर रहा हूँ कि अपने विचार आज के इस विशेष सत्र में अध्यक्ष पद से हमारे देंगे प्रातः मृत्युंजय। ओम शांति, थोड़ा आवाज जोर से आवे, ओम शांति, ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वावधान में आज एक राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन हो रहा है और इस सम्मेलन में भाग लेने हेतु प्रजापिता ब्रह्म कुमारी इंस्टीट्यूशन एक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है, एक गॉडली यूनिवर्सिटी है, एक आध्यात्मिक क्रांति लाने का यूनिवर्सिटी है। इसमें
आप सभी उपस्थित है, आप सबको, मीडिया बंधुओं को, मित्रों को, भाइयों को, बहनों को मैं अपने दिल से बहुत बहुत बधाई बधाई बधाई। आज की सभा में उपस्थित युगरत्न से गीत द्वारा हम लोगों ने बहुत अच्छी सुनी, रेशमी सोनी बहन जी और हमारा संजय भाई, साथ साथ में बिन्नी बहन का भी हम सुन लिया, और जितेंद्र भाई जी, आशीष गुप्ता, रंजना बहन और रीमा बहन, अन्य सभी भाई बहन स्टेज पर उपस्थित, समूह के उपस्थित सभी भाई बहनों को अपनी तरफ से और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से आप सबको बहुत बहुत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। हमारा सम्मुख में और भी मधुकर द्विवेदी है, डॉक्टर श्री गोपाल जी हमारे पुराने मित्र लोग हैं, इस संस्था से जुड़े हुए और भी बहुत लोग हैं, परंतु सबका नाम लेने में टाइम लगता है। इसके लिए मैं कभी कभी सोचता हूँ मीडिया पर्सन्स को एक मॉडर्न नारदा की तरफ, नारद देवलोक और मृत्युलोक के बीच में ब्रिज बना रहते हैं, ऐसी इस समय में इस कलियुग में देश विदेशों का समाचार, संदेश, वाक कार्यक्रम और कोई भी स्पोर्ट्स हो, कोई भी हो, इन सब को एक नारद की तरह आप लोगों ने संदेश दे, नारद दी उसको देव पद भी मिला था, परंतु आप लोगों को देव पद अभी देना नहीं देना आप ही सोचना चाहिए। और दूसरा जो है संजय, महाभारत के समय में संजय कमरे में बैठ करके, पैलेस में बैठ करके युद्ध भूमि में जो हो रहा था वो सबको सुनाता था, अंधों को, अंधे थे ना वो लोग, इसको सुनाते। आज की दुनिया को इस उस भाव से देखा जाए बहुत लोग अपने आंख होते हुए अंधे हैं, सत्य जानते हुए झूठ बोलता है, पवित्र की इम्पोर्टेंस मालूम होते हुए भी पवित्र नहीं रहता है, आदि आदि बात। इसके लिए मैं स्पेशली मीडिया वर्ग के सभी भाई बहनों को, बरस में एक बार नहीं, बरस में बार बार इधर माउंट आबू आना चाहिए, वो क्यों मैं बाद में बताया। हमारा देश में पाकिस्तान का वार हुआ श्रीमती इंदिरा गांधी के टाइम में, उन्होंने विजय प्राप्त किया, उस समय में एक स्लोगन दिया जय जवान, आप सबको याद है, और भारत में अन्न का कमी हो गया था, लाल बहादुर शास्त्री जब प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने जय किसान का एक नारा दिया, और उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में अपने देश में बॉम्ब एक्सप्लोड करके हमारे विज्ञान में प्रगति का बात उन्होंने सुनाया, उस समय वो स्लोगन दिया जय विज्ञान। ये तीन बातें, मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा जिन्होंने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का स्थापन किया, उन्होंने जय आध्यात्मिक, आपको ताली बजाना चाहिए इसके लिए, क्यों आज की समाज में कमी कहाँ है, अपना जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों में कहीं ना कहीं हरण हुआ है, कमी हुई है, वो समाज में उसके कारण टकराव है, मतभेद है, जाति भेद है, धर्म भेद है, वर्ण भेद है, प्रोफेशनल भेद भी है। इसके लिए ऐसे समय पर जीवन को बहुत महत्वपूर्ण वैल्यूज को मिस कर रहे कहीं ना, इसके लिए मैं एक बात याद कर रहा हूँ, हमारा डायमंड जुबली सेलिब्रेशन हुआ था कुछ समय पूर्व दिल्ली में, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 20,000 लोग के बीच में बड़ा कार्यक्रम हुआ था, उस समय में तत्कालीन राष्ट्रपति भी हमारा कार्यक्रम में उपस्थित थे, और एक मीडिया बंधु हमारा बहुत काफ़ी मित्र थे वी एन नारायण, आप सभी शायद जानते होंगे, नहीं जानते भी होंगे, वो हिंदुस्तान टाइम का एडिटर था, उन्होंने अपना एक बात बताया उस समय, मैं रोज़ एडिटोरियल लिखता हूँ, पेपर इतने बड़े बड़े एक बुक की तरह पब्लिश करता हूँ, हम बहुत नेता अभिनेता उनके साथ मिलन करते हैं, साथ यात्रा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, मैं करीब 25 साल से प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का भाई बहनों से भी मिलता हूँ, मैं जैसे शुरू में मिला था अभी भी मिल रहा हूँ, उनके चेहरे पर बहुत खुशी देखता हूँ, आनंद देखता हूँ, संतुष्ट देखता हूँ, पवित्रता देखता हूँ। हमारा पेपर पढ़ने के बाद में दूसरे दिन कई बार मैं देखता हूँ वो सभी रद्दी में रहता है, इतना बड़ा पेपर, इतने बड़े बड़े किताबी जैसा पेपर है, और बहुत लोगों को देखते हैं उसको दूसरी काम में यूज़ करते हैं उसको, चाहे कहीं भी भेजो, और उसको पढ़ने के बाद में कई लोग दुखी है, कई लोग अशांत है, कई लोग भयग्रस्त है, कई लोग कुछ भी और भी है,
परंतु ब्रह्म कुमारी संस्था से मैंने सीक्रेट जाना, बाबा ने 3 पेज का एक मुरली देते हैं, हम रोज इसको मुरली कहते हैं, ज्ञानामृत कहते हैं, अमृत कहते हैं। उस मुरली पढ़ने के बाद में उनके चेहरे पर एक वरदान का अनुभव होता है, परमात्मा का मिलन का अनुभव होता है। परमात्मा हम बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसका उद्देश्य हम समझ में आता है। हमारा जीवन को संतुष्ट, संपन्न, पवित्र बनाने की विधि मिलता है। इसके लिए उन्होंने बहुत सुंदर बातें कहा, ब्रह्म कुमारी का 3 पेज मुरली पढ़ने का आदत जो होता है, उन्होंने कभी भी इस ईश्वरी विश्वविद्यालय से तलाक नहीं देते, भाग के नहीं जाते, इन्होंने डट करके काम करते। मैं इस बात इसके लिए कह रहा हूँ, एक बार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार के माध्यम द्वारा ये संस्था स्थापन हुआ था, और उन्होंने उस समय में तत्काल कलकत्ता निवासी थे, वज्र व्यापारी थे, और कुछ लोग तो उनके विरोध में उनके चरित्र के बारे में उल्टा सीधा लिखा था। बहुत बार उन्होंने उस समय में उनकी लौकिक पुत्री निर्मल शांता दादी और अन्य दादियाँ, उन्होंने जा करके ब्रह्मा बाबा को अवगत कराया, पत्रिका भी दिया, देने के बाद में इनके ऊपर हम केस करना चाहिए सर, बाबा ने मना कर दिया। बाप उसने क्या बोला होगा, बाप बच्चों के ऊपर केस नहीं कर सकते। उसका कंसेप्ट देखो, इसके स्पिरिचुअल वैल्यू को देखो, बाप बच्चों के ऊपर केस नहीं कर सकते। यही क्वालिटी हम सबकी थिंकिंग होना चाहिए, यही धारणा हम सबके जीवन में होना चाहिए। हम कहीं ना कहीं बंधुत्व है, भाई है, बहने हैं, माता है, बच्चे हैं, और उनके ऊपर हम केस भी नहीं कर सकते। बाबा ने सोचा, वो कंसेप्ट को, वो धारणा को, वो सोच को, वो विचारधारा को आज भी ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लेकर के आगे बढ़। इसके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ, ईश्वरी एक बार एजुकेशन का बड़ा सम्मेलन था, कॉन्फ्रेंस था माउंट आबू में, ज्ञान सरोवर में, तत्कालीन UGC के चेयरमैन डॉक्टर हरि गौतम उसका सम्मेलन में थे, और भी बहुत सुप्रीम कोर्ट का जज भी थे। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बताई, वी हैव एन यूनिवर्सिटी, डिफरेंट यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी, रीजनल यूनिवर्सिटी, लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और म्यूजिक यूनिवर्सिटी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट आई फाउंड हियर द ओनली वन स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। एक ही भारत में, विश्व में आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी है, तो क्यों, यूनिवर्सिटी में ना पढ़ाई है, यूनिवर्सिटी बना कुछ अचीवमेंट, यूनिवर्सिटी बना कुछ साधना। इसके लिए उन्होंने ये बात कहा था, एक ही यूनिवर्सिटी माउंट आबू में जो पाठ पढ़ाया जाता है, ब्राज़ील में भी वही है, अर्जेंटीना में भी वही, चाइना में भी वही है, और ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, परंतु ये शिक्षा मिलती है, और वो शिक्षा पढ़ करके, वह समझ कर करके, योग भी सीख करके, उन्होंने जीवन में शक्तिशाली आत्मा बने, पवित्र आत्मा बनते, और साथ में फरिश्ता आत्मा बनते, देव मानव बन सकते, देवत्व का गुण धारण करते, तब तो उन्होंने अंदर ईश्वरीय विश्वविद्यालय का विकास का ये सीक्रेट है। ये सीक्रेट कौन सा, मुरली। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, आपके जीवन में बहुत अमूल्य समय है, परंतु 3 पेज मुरली पढ़ने का आदत डालना चाहिए। कौन कौन डालेंगे हाथ खड़ा करें, ओ थाली बजाई इन सबको खुशी। आपको 3 पेज पढ़ने के लिए केवल 5 नहीं तो 10 मिनट होता है, वो 10 मिनट के अंदर आपका आंतरिक शक्ति इतनी बढ़ता है, इतनी बढ़ता है, उसको बाद शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है। इसके लिए 3 पेज मुरली पढ़ेंगे तो मैं आपको बताता हूँ, आप देव मानव बन सकते हैं, फरिश्ता बन सकते हैं, आपका सोच में बहुत शुद्धता आ सकता है। नहीं तो आज की दुनिया में, अभी तो आप लोग बहुत चर्चा किया उसके विषय पर, मैं नहीं जाएंगे, मैं इसके लिए आप सबको एक बार मुरली पढ़ना, मुरली पढ़ना अर्थात हमारा कनेक्शन विद द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, परमात्मा का इस धरती पर आने का उद्देश्य, और हमारे लिए क्या वरदान दे रहे, गिफ्ट दे रहे, शक्ति दे रहे, उसका एक अनुभव होता है, उसके परिणाम अपना जीवन में दिव्यता ऑटोमेटिकली आता है, संतुष्ट आता है, त्याग भाव आता है, समर्पण भाव आता है, कल्याण की भावना होती है, विश्व कल्याण, ऐसे कल्याण करने के विचार आते। नहीं तो कभी कभी हम देखते हो मीडिया पुलिस का भी काम कर देते हैं, जुडिशियल भी काम कर देते हैं,
और बुद्धि पॉलिटिशियन भी बन जाता है, वो रियल बंदे हैं अलग बात है, जुडिशियल भी काम करते हैं, पुलिस का काम करते हैं, कैसे करते हैं, इन्होंने जो भी सत्य असत्य को कोर्ट में प्रूव नहीं हुआ उससे पहले उनका पत्रिका में अलग अलग माध्यमों द्वारा उनके प्रचार प्रसार करके उसका मीडिया इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस, वो इन्फ्लुएंस लंबे समय तक नहीं चलते, झूठ तो झूठी है, सत्य सत्य है, पवित्र पवित्रता ही है, इसके लिए वो काम करते तब तो समाज में बिखरा हुआ समाज में अशांति हो सकता है, भय हो सकता है, आतंकवाद भी हो सकता है और भी अन्य चीज़ें हो सकता है। इसके लिए मैं खरबद्ध होकर के आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, मीडिया का जब नारद का टाइटल देते, संजय का टाइटल देते और भी कुछ टाइटल है, आप तो लोक कल्याण अर्थ के लिए मीडिया सिर्फ पत्रिका पत्रिका के हिसाब से नहीं, पहले मैसेज तो मैसेज के नहीं, वह इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं, इन्फॉर्मेशन शुड एनरिच एम्पावर एनलाइट अवर लाइफ, वो एनरिच करने के लिए होना चाहिए, केवल एक मैसेज के रूप में व एक इन्फॉर्मेशन के रूप में नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप भी बाबा का भुजा बने, बाबा का साथी बने, बाबा का योजना समझे, तब हम भारतवासी विश्व गुरु बन सकते हैं, भारत में शांति स्थापन कर सकते हैं और भारत वर्ल्ड का लाइट एंड माइट हाउस बन सकते हैं। इन्हीं शब्दों में मैं वाणी को विराम करता हूँ। विराम करने से पूर्व एक समाचार आपको देना चाहता हूँ। इसी प्रांगण में, इसी कैंपस में 10 तारीख से 14 तारीख तक एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल समिट, भारत द हार्बिंजर ऑफ पीस, वर्ल्ड पीस, इस विषय पर है। उसका उद्घाटन के लिए वर्तमान समय का हमारा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आएंगे, यहाँ उद्घाटन करेंगे और उसके साथ एज यू नो बहुत लोग आ रहे हैं, क्योंकि वो 4 दिन का कार्यक्रम है, सम्मेलन है, इसमें बहुत केंद्रीय मंत्री लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, इस समय का हिंदुस्तान टाइम का चीफ एडिटर भी आ रहे हैं, रजत शर्मा जी आ रहे हैं, अन्य लोग भी आ रहे हैं, आपको भी निमंत्रण है, आपको भी आकर के सिर्फ देखना नहीं, अच्छे समाचार दुनिया को फैलाएं, ऐसी देने वालों को बधाई, नमस्ते, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता मृत्युंजय जी, आपने अपने व्यस्ततम समय में से वो समय हम सबके लिए निकाला, इसके लिए आपका मैं बहुत बहुत आभार मानता हूँ, क्योंकि उनके लिए मैंने 2 शब्द लिखे हैं, सभी को था आपका बेसब्री से इंतज़ार, पलकें भी थी आपकी एक झलक पाने को तैयार, आपके आने से आई है कुछ ऐसी बहार कि दिल बस मांगे आपके लिए खुशियाँ बेशुमार, खुशियाँ बेशुमार। अभी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी रंजन बहन, जोनल कोऑर्डिनेटर मीडिया विंग गुजरात वलसाड से यहाँ पर पधारे हैं, और साथ साथ आप सब जोन इंचार्ज तो हैं, सीनियर राजयोगा टीचर भी हैं, आपने बहुत से देशों में जाकर के ये ईश्वरीय ज्ञान और योग का संदेश दिया है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अपने विशेष इंस्पिरेशंस हम सबके लिए देंगे बहन ब्रह्मा कुमारी रंजन बहन जी, उनके लिए भी मैं 2 शब्द कह रहा हूँ, जिंदगी जब ईश्वर पर फिदा हो जाती है, क्योंकि वो डेडिकेटेड सिस्टर हैं, जिंदगी जब ईश्वर पर फिदा हो जाती है हर मुश्किल जीवन से अपने आप विदा हो जाती है, विदा हो जाती है। ओम शांति। स्वर्णिम संसार के रचयिता परमात्मा पिता की सर्व प्यारी संतान आत्मबंधु, सम्माननीय मंच एवं भारत के विभिन्न प्रांतों से पधारे हुए आप सभी
मीडिया से जुड़े हुए भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय को लेकर के पिछले 3 दिनों से हम बहुत सारी बातों को जो सुन रहे हैं और जिसका एक ही सब्जेक्ट हो, एक ही थीम, और वो है समाधान पत्रिका। समस्याओं का वर्णन भी हम बहुत सुन रहे हैं और पिछले 3 दिनों के अंदर इसी सब्जेक्ट को लेकर के बहुत सारा मंथन किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मनाया। कोई भी देश कई समय तक अगर किसी देश का गुलाम रहता है तो नेचुरल है जब वो देश स्वतंत्रता को प्राप्त करता है तो उस देश के कर्णधारों की, उस देश की जनता की दिल की एक ही ख्वाहिश होती है और वो है कि हमारा देश समृद्ध बने, हमारा देश आत्मनिर्भर बने, हमारा देश प्रगति करे। हर एक ये चाहते हैं क्योंकि कई सालों से परतंत्रता के अंदर रहा हुआ और इसके लिए बहुत सारी समस्याएं उनके जीवन के अंदर होती है और फिर से उस समस्याओं से बाहर लाने के लिए देश को बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं, जैसे हमारे कई वक्ताओं ने कई प्रकार की समस्याओं की बातें बताई हुई है जिसके अंदर हम मान लो एक ही समस्या को देखें। आज मैं एक एग्जांपल दूं कि जैसे जनसंख्या की वृद्धि, और ही जनसंख्या की वृद्धि को कंट्रोल करने के लिए हमारे देश की सरकारों ने, कई समाजसेवी संस्थाओं ने इसके लिए बहुत सारे प्रयत्न भी किए हैं और इसकी वृद्धि से हमें क्या नुकसान हो सकता है। जैसे इसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए कि जो जनसंख्या के वृद्धि में अगर वो अपना योगदान देंगे कि ज़्यादा जनसंख्या न बढ़े तो देश की तरफ से उनको कई प्रकार के लाभ दिए जाते हैं, और जो इसको फॉलो ना करें तो उसके फायदे के लिए कई प्रकार के लाभों से उसको वंचित किया जाते हैं। तो इस प्रकार से सरकार तो अपनी तरफ से प्रयत्न कर ही रही है, लेकिन अगर इसके अंदर जो भी हमारे संचार माध्यम है तो वह भी इस जनसंख्या की वृद्धि के अंदर रोकथाम लगाने के लिए कि किस प्रकार से हमें इस एक समस्या से और कितनी समस्याएं जीवन के अंदर आती है, अगर इसके ऊपर संचार माध्यम अपना योगदान दे तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन आ सकता है। ऐसे ही हम सब जानते हैं कि कितनी सारी समस्याएं आज देश के अंदर है और उन्हीं समस्याओं से आज देश हमारा जूझ रहा है। जैसे बताया कि विश्व गुरु बनना चाहते हैं, लेकिन ऐसी कई बातें हैं कि जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, जैसे निरक्षरता है, इसी प्रकार से देखो भ्रष्टाचार है, जीवन के अंदर मूल्यहीनता है। तो इन सारी बातों को बाहर लाने के लिए बहुत अच्छी बात अभी एक वक्ता ने बताई कि डिबेट तो करते हैं और कई विशेषज्ञ को बुलाते भी हैं, लेकिन वो समाधान के बजाय और ही आपस में लड़ने लग जाते हैं, जो हम सब प्रैक्टिकल में देखते हैं। और इसलिए सिर्फ डिबेट नहीं करें परंतु उसका समाधान क्या होता है इसके ऊपर वो अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। कई बार जैसे हम ये भी बातें सुन रहे हैं कि आज की जनता, आज की पब्लिक यही चाहती है, परंतु बहुत अच्छी बात हमारे आदरणीय शिवानी दीदी ने बताई कि एक व्यक्ति अगर रेड लाइट को देखते हुए अपनी गाड़ी को रोकता है
भल लोग उसकी पहले तो मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बाद में एक से दो, दो से चार उसके अंदर बढ़ते जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर हम अपनी तरफ से जो भी अच्छी बातें हैं और वो अच्छी बातें अखबारों के अंदर, टीवी के माध्यम से देते हैं, तो नेचुरल है शुरू शुरू में बहुत कम होगा, परंतु धीरे धीरे हमें उसके अंदर सफलता जरूर प्राप्त होती है। हाँ, हो सकता है हमें उसमें थोड़ा धीरज रखना पड़े। आज ही दिन के टाइम में हम जब बॉलीवुड स्टूडियो में गए थे और वहाँ से जो हमारे मुख्य भाई है उनसे जब बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने यही एक बात बताई कि हमारे कई ऐसे शो है कि जो 1000 से भी ऊपर एपिसोड पास कर चुके हैं और उसमें काफ़ी सफलता मिली हुई है, जो कोई ना कोई मूल्यों को लेकर के है या समाधान के रूप से है, लेकिन उसमें बहुत अच्छी सफलता भी प्राप्त हुई है और उनको देखने वाले भी 1,00,000 से भी ऊपर व्यूअर्स भी उसके अंदर मिले हुए हैं। तो कहने का भाव यही है कि अगर हम अच्छा देते हैं तो आज नहीं तो कल उसके अंदर सफलता हमें प्राप्त होनी ही है। सार रूप में मैं यही कहूँगी कि जो भी हमारे संचार माध्यम के साधन है, जैसे कि समाचार पत्र है, तो समाचार पत्र सुविचार पत्र बन जाए, आकाशवाणी अमृतवाणी बन जाए, दूरदर्शन दिव्य दर्शन बन जाए, और आज का जो डिजिटल मीडिया है वो डिवाइन मीडिया बन जाए। बस इतना ही परिवर्तन अगर हम कर दें तो इसके अंदर सारी समस्याओं का समाधान छिपा हुआ है। यही आज के समापन सत्र के अंदर मेरी ओर से ये प्रेरणा है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ब्रह्मा कुमारी रंजन बहन। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ बहन रीमा सरीन, जो कि फाउंडर एंड एक्ट्रेस हैं बॉलीफिट के। नोएडा से हमारे बीच में पधारे हैं। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप आइए, अपने विचार रखिए। आपने ये एक्टर, मॉडल, एंकर, डांसर, कोरियोग्राफर, ये सब कुछ रहे हैं, पर आज विशेष मीडिया वालों के साथ आप बात करेंगे। बहन रीमा सरीन जी, ओम शांति। आई एम गोइंग टू टॉक इन इंग्लिश, सो प्लीज़ बेयर विद दैट। एंड आई फील वेरी ऑनर्ड एंड वेरी हम्बल्ड ऑल्सो टू बी हियर, बिकॉज आई मे नॉट बी एज वाइज एज अ लॉट ऑफ पीआर प्रोफेशनल्स एंड मीडिया पीपल हियर, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एड सम वैल्यू। एंड आई एम ऑल्सो स्टैंडिंग हियर to share my experience with the Brahma Kumaris, which has really changed my life. So I'll just talk a little bit about media. I am now associated with a digital media company, so I'm going to speak a little bit more about that. And we target news for the youth, because they are the future of India. And I promise you that it's very important to, you know, portray media and news in a positive way, because whatever the youth reads influences their mind very, very deeply. And unfortunately or fortunately, today news is being sensationalized so that it's very saleable, which is not correct. And I think everybody feels that. All my, you know, esteemed colleagues have said that please don't report news, negative news, because people rejoice in that. Please do report news which is positive, and please be responsible when doing that. So that is very important. And
I also feel that, you know, digital online channels have really changed the way news is distributed. So earlier, if you see, PR, which was, and news, which was traditional, it was mainly offline and print and a little bit of television and broadcast, basically used to inform news. They used to, you know, relay what is happening. Today, it is about creating news. So, you know, and digital channels are very good in doing that. They package news, they try to make it very, very readable because they also have to get likes on their digital media channels and so on. But that is not correct, you know. We must report news, first of all, we must report positive news and we must report correctly. So that is my earnest request, and I hope that, you know, our journalists in India continue to do the good work they are doing and not sensationalize news. And the second part of my speech is about my journey, in association with Brahma Kumaris. This journey started in 2008. I used to work as a PR and marketing head in a company in Hyderabad. And at that time, Sister Sarla invited me. And I have been regularly coming here. And I just want to share that, you know, following the Murli and following Raj Yoga meditation practice has really changed my life. You know, it has, first of all, helped me to focus and really connect with the divine, and that has made a huge difference in my life. It was all about progress, it was all about being competitive, it was all about being, you know, very advancing in my profession. But today that focus has changed. And I feel much lighter, much happier. And I promise you, once you connect with the divine and you get guidance, your life becomes a lot more responsible, it becomes a lot more happier. And I feel that today. So I would encourage you all to please adopt the Raj Yoga practice and to, you know, imbibe God's true will and, you know, dwell in that. And I'd also want to share that, you know, I've lost both my parents, but I have found my real father, which is Baba. And I really feel that the Brahma Kumaris are my true family. And this time when I was coming after 9 years, there was only one thought that was going through my mind. Ab ghar jana hai. And that is what I've been singing and I have been coming, and I feel truly happy and blessed to be, you know, in the in the drishti of the Brahma Kumaris. Om Shanti. Dhanyavad, Behen Sareen ji. Aapne apna anubhav bhi sunaya ke kis prakar se aap ishwariya मुरली को और राजयोग का अभ्यास वो भी कर रहे हैं. ये भी हम सब के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. और मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर कनु भाई आचार्य, जो कि डीसा गुजरात से यहाँ पर पधारे हैं. आप फेमस कॉलमिस्ट और पोएट हैं, और 27 वर्ष आपने प्राचार्य के पद पर कार्य किया है, और आपको श्रेष्ठ शिक्षक का राष्ट्रपति अवार्ड वो भी प्राप्त है. गवर्नर अवार्ड से भी आप नवाजे गए हैं. गुजरात साहित्य अकादमी का साहित्य अवार्ड भी आपको 5 बार प्राप्त हो चुका है. आपके साहित्य के ऊपर अनेक स्टूडेंट्स ने पीएचडी और एमफिल की है. आपने 52 बुक्स वो लिखी हैं. मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ आज के इस सभा के अंदर अपने विचार रखेंगे. प्रातः कनु भैयाचार्य. ओम शांति. डायस ऊपर विराजमान सर्व महानुभावों के
अंतर में बैठी हुई आत्मा को मेरा प्रणाम। यहाँ जो सब सामने पत्रकार मित्र बैठे हैं और उनके साथ अन्य श्रोता भी बैठे हैं, सब में एक परमात्मा है, उनको सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूँ। वेद का एक विचार है, आनो भद्रा कृत्वो यंतः, हमको चारों ओर से अच्छे विचार प्राप्त हो। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ने 3 दिन में यही काम किया है। समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन में से कई रत्न निकले थे। 3 दिन से यहाँ समुद्र मंथन हो रहा है और इसमें इतने हीरे निकले हैं, इतनी बातें निकली है। अभी अभी हमारे एक पूर्व वक्ता ने बताया था कि मैं बम्बई से जब आ रहा था तो मैंने सोचा कि मैं ये बोलूँगा, मैं तैयार करके आया था। तो मेरी स्थिति भी ऐसी है क्योंकि इतनी बातें हो गई है तो उसको आप पुनरावर्तन ना करके मैं जरा अलग से बात करना चाहता हूँ। मैं 40 साल से पत्रकारिता में हूँ, कई अनुभव मुझे हुए हैं। मैं प्रत्यक्ष कोई अखबार के साथ जुड़ा नहीं हूँ, फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ। तो कई लोग मुझे मिलते थे और कहते कि जरा हमारा जो ये समाचार है वो जरा छपवा दो। और समाचार कैसे होते, किसी का चारित्र हनन करने का समाचार होता। तो मैंने 40 साल में कभी ऐसे समाचार नहीं लिखे हैं। और मैंने एक काम किया है, जो झोंपड़ियों में रहते हैं, जो वंचित है, जो गरीब है, उनकी स्टोरी लिखी है मैंने। छोटे लोगों की बड़ी स्टोरी लिखी है। कई लोग मुझे सवाल पूछते हैं कि आपने बड़े लोगों की छोटी स्टोरी क्यों नहीं लिखी। मैंने कहा, बड़े लोगों की छोटी स्टोरी तो उनके कर्म लिखेंगे या समाज लिखेगा, हम नहीं लिखेंगे। तो हमने आज तक बड़े लोगों की छोटी स्टोरी नहीं लिखी है। हमारे देश में बड़े लोगों की बहुत छोटी स्टोरियां हैं और हमारे पत्रकार जो है, पत्रकार मित्र, ये सब जानते हैं। तो मैं हास्य व्यंग लिखता था। हमारा एक गुजरात का बहुत बड़ा अखबार है, वो अखबार में मैं हास्य व्यंग लिखता था। तो उन्होंने कहा कि अब हास्य व्यंग में भी आपको राजकीय बाबतों में नहीं लिखना है, आपको उसमें नहीं लिखना। हरिशंकर परसाई और शरद जोशी जैसे, जो वो जमाने में जो लिखते थे, आज हमारे सामने ये चैलेंज आई है कि आप ये नहीं लिख सकते। क्योंकि लोग जागरूक हो गए हैं। और अगर कोई डॉक्टर के बारे में लिखते हैं तो सारा डॉक्टर यूनियन उसका विरोध करता है। अगर शिक्षक के बारे में कोई लिखता है तो शिक्षक का यूनियन विरोध करता है कि हमारे बारे में क्यों लिखा। आज कटाक्षी का हम लिख नहीं सकते, मैंने बंद कर दिया। अभी 6 महीने पहले मैंने ये बंद कर दिया, उन्होंने बंद कर दिया और हमने भी लिखना बंद कर दिया। हमारा एक व्यंगकार था मित्र, उसकी कॉलम बंद हो गई तो उसने सोशल मीडिया में शुरू कर दिया। अगर तुम नहीं लेते तो हम सोशल मीडिया में लिखते। सोशल मीडिया ऐसा हो गया है कि आज उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। सोशल मीडिया में वैसे ही लोग लिख रहे हैं, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। हमारे प्रिंट मीडिया में तो आप जानते हैं, प्रिंट मीडिया में तो जिम्मेदारी होती है लिखने वाले की, उसके एडिटर की, उसके मालिक की। तो वहाँ ऐसे नहीं लिखा जाता है जो हमने अनुभव किया है। हमारे शशिकांत भाई जो यहाँ बैठे हैं, गुजरात के, ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के मीडिया के वो संयोजक है, उन्होंने बताया कि यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में कई लोग ऐसे हैं कि जो कार्य कर रहे हैं, उनके चरित्र के बारे में लिखना चाहिए। मैंने कहा, मुझे तो बहुत मज़ा आएगा। मैंने ऐसे कई चरित्र लिखे हैं, जैसे महादेवी वर्मा ने रेखा चित्र लिखे हैं, ऐसे रेखा चित्र मैंने भी लिखे हैं। और गुजरात साहित्य अकादमी से ऐसे चरित्रों के
चरित्रों में मुझे अवार्ड भी मिला है, तो मैं चाहता हूँ कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के ऐसे चरित्र जो हैं वो मैं लिख सकूँ, मुझे ये उसका यकीन है। थोड़ी सी बात जरा हटके मैं करना चाहता हूँ, तो हमारा एक शायर है, उसने लिखा, देखो मैं जरा नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ बात आई समाधान, समाधान तो तब होता है जब समस्याएं होती है। मैं 3 दिन से सुन रहा हूँ, सबने बात बताई, जब प्रश्न पूछने के लिए लोग आते हैं ना तो वो समस्या बताते हैं और यहाँ से समाधान की बात होती है, लेकिन हमारे वक्ताओं ने समस्या की बात बहुत कम बताई है। उन्होंने कहा कि मीडिया के सामने कई चुनौतियाँ हैं, मीडिया के सामने कई समस्याएँ हैं, हमारे सामने ऐसी कई समस्याएं आती है। तो एक हमारे एक कवि ने क्या लिखा, तो एक कवि ने बहु ऐसा लिखा, सुबह जब आँख खुलती है ना तो कई लोगों को बेड टी की आदत होती है, बेड टी, तो उसने शायरी बनाई कि सुबह सुबह चाय न मिलेगी तो चलेगा, सुबह सुबह चाय न मिलेगी तो चलेगा, शायद कोई रिश्तेदार न मिले तो चलेगा, हमें सुबह में कोई अखबार दे दो, हमें सुबह में कोई अखबार दे दो, बेड टी नहीं बेड न्यूज़ मिलेगा तो चलेगा। ऐसे लोग हैं कि जो सुबह सुबह में बेड न्यूज़ पढ़ना चाहते हैं, ऐसे कई लोग मुझे मिले हैं। और सुबह में जब अखबार नहीं मिलता है, चाय की आदत नहीं अखबार की आदत है, अगर अखबार नहीं मिलता है तो उनका दिन शुरू नहीं होता है, ऐसे लोग भी है। लेकिन आज बेड न्यूज़ की नहीं गुड न्यूज़ की हमें ज़रूरत है, सबसे बड़ी बात यह है। तो गुड न्यूज़ लोगों के सामने पहुँचाने के लिए ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ने जो काम किया है ऐसा काम करना पड़ेगा, और हमें बदलना पड़ेगा। हम चलते हैं तो रुख भी बदल जाता है, पत्रकारों की क्या हैसियत है, हम चलते हैं तो रुख भी बदल जाता है, हम रुकते हैं तो दम भी ठहर जाता है, हमसे न करो शिकवाई जमाने वालों, अगर हम बदलते हैं तो इतिहास भी बदल जाता है। हमने यही काम करना है कि हमको बदलना है, और अगर हम बदल जाएंगे तो बहुत बड़ा काम होगा। हमने स्वर्ग की कई कहानियां सुनी है, स्वर्ग देखा नहीं है। अभी पहले यहाँ हमारे जो चेयरपर्सन थे उन्होंने नारद जी की बात बताई, तो मुझे वो बात याद आई कि स्वर्ग में नारद जी है ना, कोई अगर तपश्चर्या करने बैठता है तो नारद जी दौड़ के जाते हैं इंद्र के पास, और इंद्र को जाके कहते हैं अरे तुम्हारे वो तपश्चर्या करने के लिए बैठा है, तुम्हारा इंद्रासन छीन जाएगा। फिर इंद्र क्या करता है, इंद्र उसकी तपश्चर्या को तोड़ने का प्रयत्न करता है। हमने ऐसी स्वर्ग की बात सुनी है, लेकिन पहली बार मुझे स्वर्ग देखने को मिला है यहाँ शांतिवन में। ये स्वर्ग है, मैं स्वर्ग से भी ज़्यादा इनको बता रहा हूँ, आपने सबने ये अनुभूति की होगी। बहुत समय हो गया है और मुझे कम समय में बोलना है, एक दो बात करके मैं मेरी बात को पूरी करूँगा। मुझे एक बात यह है कि एक संत थे, और वो संत एक गांव में गए, तो गांव में जाकर उन्होंने एक आदमी को पूछा कि यह गांव कैसा है, वो आदमी ने बताया यह गांव तो बहुत बुरा है। संत ने कहा भगवान करे ये गांव आबाद रहे। उनके साथ शिष्य थे, उनको आश्चर्य हुआ कि यह गांव आबाद रहे, ऐसा आशीर्वाद क्यों दिया। वहाँ से वे दूसरे गांव गए, दूसरे गांव जाकर गांव के एक आदमी ने पूछा कि यह गांव कैसा है, तो ये गांव तो बहुत अच्छा है। संत ने कहा कि भगवान करे ये गांव बिखर जाए। तो शिष्यों ने पूछा कि आपने पहले गांव को आशीर्वाद दिया, दूसरे को ऐसा श्राप दिया, ऐसा क्यों। तो संत ने बताया कि अच्छाई जो है ना, अच्छाई सब जगह फैल जाए, इसीलिए मैंने ऐसा कहा है, और बुराई एक ही जगह रहे। तो अच्छाई सब जगह फैल जाए, इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी कार्य कर रही है, और हमको इसका बहुत बड़ा आनंद है, हम हमारी प्रसन्नता प्रकट करते हैं। एक काव्य पढ़कर मैं मेरी बात पूरी करूँगा। जन्म तो होता है,
जन्म तो होता है, जीना सीखना पड़ेगा, जीना सीखना पड़ता है, जन्म तो होता है, जीना सीखना पड़ेगा, पांव अगर भटक जाए तो रोकना पड़ेगा, सब जगह बुराइयों देखने वाली आँख को, सब जगह बुराइयां देखने वाली आँख को दिव्य चक्षु लगाकर अर्जुन की तरह देखना पड़ेगा। लड़ाइयां सिर्फ तलवारों से नहीं होती, लड़ाइयां सिर्फ तलवारों से नहीं होती, कलम से यारो हमें असुरों से लड़ना पड़ेगा। मीडिया कर्मी नए भारत के निर्माण में देशवासियों के साथ हमें चलना पड़ेगा। ये भारत है, न उसी ने किसी का छीना है न लूटा है। हमारा इतिहास, जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो सारी दुनिया ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, भारत ने कभी आक्रमण नहीं किया। ये बात हम सारे जगत को बताए, क्यों नहीं बता सकते? इतिहास जाने वाले ये जानते हैं, ये भारत है, न उसी ने छीना है न लूटा है। विश्व को ये मैसेज हमें पहुंचाना पड़ेगा, जन्म तो होता है, जीना सीखने पड़ेगा। धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता कनु भाई, आपने बहुत सुंदर विचार रखे कि किस प्रकार से आप छोटे लोगों की बड़ी स्टोरी बनाते हैं और बड़ों के लिए नहीं लिखते हैं। तो हमें भी सब पॉजिटिव रह करके इसके द्वारा समाज का कल्याण करना है। और अब हमारे सामने कार्य योजना आ रही है, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय ब्रह्मा कुमारी सरला आनंद जी को, जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर मीडिया विंग के हैं और हैदराबाद से हमारे बीच में पधारे हैं, पर वो इंग्लिश का हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। पर उससे पहले प्लीज़ उससे पहले मैं मधुकर द्विवेदी जी, जो सीनियर जर्नलिस्ट भोपाल से आए हुए हैं और एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं मीडिया विंग के, ब्रह्मा कुमारीज के, वो कृपया इसका हिंदी रूपांतर जो है किया गया है वो पहले पढ़ेंगे और उसके पश्चात बहन सरला आनंद जी इंग्लिश में उसको पढ़ेंगे, इसलिए उसका अनुमोदन बाद में होगा। भ्राता मधुकर द्विवेदी जी, सम्मानित मंच और सभागार में उपस्थित सम्मान्य भाइयों एवं बहनों, ये जो 29 अगस्त से मीडिया से मुतल्लिक जो कार्यक्रम चल रहा है, जिसके आप सब चश्मदीद गवाह हैं, एक रेजोल्यूशन पास किया, पारित होगा आप सबकी सहमति और स्वीकृति से। आज के अध्यक्ष महोदया उसको जब उसका वाचन करेंगे अंग्रेजी में, वो आपसे सहमति और स्वीकृति लेंगी। मैं उस संकल्प को और उन कार्य योजनाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। राष्ट्रीय मीडिया महासम्मेलन 2022 शांतिवन, संकल्प एवं कार्य योजनाएँ। राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में 29 अगस्त से 2 सितंबर 2022 तक समाधान परक पत्रकारिता से समृद्ध भारत की ओर विषयक 5 दिवसीय 26वां राष्ट्रीय मीडिया महासम्मेलन शांतिवन आबू रोड में आयोजित किया गया। इस महासम्मेलन में भारत और नेपाल से आए 1700 से अधिक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल मीडिया प्रोफेशनल्स, मीडिया कंसल्टेंट्स, पब्लिक रिलेशन प्रैक्टिशनर्स तथा मीडिया शिक्षाविदों ने भाग लिया। इस महासम्मेलन में मीडिया से संबंधित अनेक मुद्दों पर 7 खुले सत्रों के माध्यम से विचार विमर्श किया गया। 1 अंतर्दृष्टि सत्र और 5 राजयोग व्याख्यान सह ध्यान सत्रों के पश्चात भारत और नेपाल के प्रमुख मीडिया कर्मियों, प्रतिभागियों और विद्वान वक्ताओं द्वारा निम्नलिखित संकल्प एवं कार्य योजनाओं पर विचार विमर्श हुआ।
पहला, मीडिया को सकारात्मकता पर ध्यान देना चाहिए। प्रायः यह देखा गया है कि अधिकांश लोग नकारात्मक समाचारों के प्रकाशन एवं प्रसारण से आनंदित होते हैं, जो समाज के हित में कतई नहीं है। मानव भावना को सकारात्मक दिशा की ओर उत्प्रेरित करने वाले प्रेरक समाचार देश को समृद्धि की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। दूसरा, दुनिया में हर समस्या का समाधान अवश्य है। पत्रकार जगत में जनसंपर्क, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समाज के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों और सामाजिक समस्याओं को उजागर करना पत्रकारों का दायित्व है। मीडिया को जिम्मेदारी लेने, समाज के मुद्दों के ठोस समाधान तलाशने, सुझाव देने व उसके हल के लिए लोगों का मार्गदर्शन करना चाहिए। तीसरा, भारत को विश्व गुरु की भूमिका की ओर ले जाने के लिए हम सबको स्वर्णिम युग के संस्कारों को आत्मसात करने की जिम्मेदारी लेनी होगी। हम में से प्रत्येक को सकारात्मक सोच और सार्वभौमिक भाईचारे की संस्कृति को विकसित करना होगा। चौथा, मीडिया में उच्च संचार शक्ति होती है। यहाँ तक कि एक साधारण संचार क्रिया भी लाखों लोगों की मानसिक स्थिति को बढ़ा या घटा सकती है। इसलिए मीडिया को यह संकल्प लेने की ज़रूरत है कि वह समाज को लाभ पहुंचाने के लिए अपने संचार माध्यमों से केवल सकारात्मक ऊर्जा ही प्रदान करे। पांचवा, निहित स्वार्थवश किसी व्यक्ति अथवा संगठन के हितों को पूरा करने के बजाय मीडिया को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि किसी भी कीमत पर सामान्य व्यक्ति की अस्मिता को दांव पर न लगाया जाए। छठवां, मीडिया सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने और उसे बरकरार रखने में अधिक सजगता बरते। सातवां और अंतिम, मीडिया में टेक्नोलॉजी के बढ़ते अनावश्यक प्रभाव, उचित नीतियों के अभाव और विचार विनिमय की कमी के परिणाम स्वरूप आम जन में भ्रम पैदा होता है। अतः महासम्मेलन में केंद्र सरकार से अपील की गई कि सबके परामर्श से एक विशेष समावेशी मीडिया नीति बनाई जाए। थोड़ी देर पश्चात कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय सरला बहन जी अंग्रेजी में बात को कहेंगी और आप सबसे सहमति और स्वीकृति लेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। Om Shanti. Respected dignitaries on the dais, Sanjay Dwivedi ji, Bhargava ji, Sister Rima Sarin, Ranjana Ben, Binni Ben, Dr. Binni Ben, Sunita Ben ji, Mirchan Bhai ji, and all the other Ashish Gupta Bhai ji, Sanjay Bhai, and dear brother who spoke very well. All of them have thrown a great insight into today's valedictory session. I'd like to express that God the Almighty has a special plan for a new world. भगवान को हम मीडिया वालों के लिए एक सुनहरे दुनिया,
एक स्वर्णिम दुनिया लाने के लिए बहुत बड़ा उम्मीद है। उस उम्मीदों को कार्य में लाने के लिए भगवान के प्लान को सिंक्रोनाइज करने के लिए हमारा तो जिम्मेवारी होगा या फर्ज तो निभाने की बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है। इस चीज़ को लेते हुए इस पुण्य भूमि मधुबन कहते हैं जो शांतिवन में अभी आप सब बैठे हो, हम सब मिलके इन पांच, इट्स अ 5-day कॉन्फ्रेंस, पिछले 3 दिनों में अनन्य वक्ता गणों ने, द लर्नेड स्पीकर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड नेपाल हैव थ्रोन लॉट ऑफ लाइट, हैव एक्सप्रेस्ड वंडरफुल व्यूज ऑन हाउ वी कैन रियली bring about a solution to the people who are living on this earth. Un sabko main pranam deti hu aur taking all the impressions and views and opinions and suggestions given by all these learned speakers, we have arrived at a 7-point action plan for all of us to reckon with and to imbibe in our day-to-day working. इसको अपनाने के लिए मैं आपसे ये चाहत व्यक्तित करती हूँ। तो इस नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस में इन जो 7-point की एक्शन प्लान है, द रेजोल्यूशन, आई वुड लाइक टू रीड इट आउट टू यू। आई रिक्वेस्ट Brother Babji and Srinivasanji and all of you, in fact, all the Mahanubhav, media ke Mahanubhav, those who are sitting in front of me, each one of you is a great gift to the Supreme Almighty. So therefore, I would like all of you, in fact, they will come pratyaksh mein, wo second karte hain, baad mein aap सब इसको सेकंड करेगा। ये 7-point एक्शन प्लान इस तरीके से है। ए 5-day 26th नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस ऑन सॉल्यूशन बेस्ड मीडिया टुवर्ड्स प्रॉस्परस भारत वाज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय राजयोगा रिसर्च एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन and Prajapita Brahma Kumari's Ishwariya Vishwavidyalaya from 29th of August to 2nd of September. This has been organized in the complex of Shantivan of Brahma Kumari's. Over 1700 print, electronic, digital media professionals, media consultants, public relations practitioners, media academicians representing all types and kinds of media from all over India and Nepal have very enthusiastically attended this conference, deliberating through 7 open sessions on topics of media and related issues. And after undergoing 1 insight session and 5 Raja Yoga meditation experiential sessions, the learned speakers representing leading organizations and participants across the country and Nepal arrived at the following action plan. First point, media should focus on positivity. Media to focus on positivity. It is observed that though majority of the people rejoice negative news, it certainly is not in the interest of them, of the society.
inspiring stories that uplift the human spirit towards positive direction would pave a way to lead the country certainly towards prosperity. Second point, there is certainly a solution for any problem in the world. Public relations practitioners, print, electronic, and digital media journalists hold a key role in the society. Journalists, being highly responsible citizens of the society, need to highlight the violations of the democratic rights and social problems. Media to take the onus of responsibility and explore tangible solutions to the issues of the society, suggest and guide the people to resolve. Third point, in order to lead the country towards the role of Vishwa Guru status, each one of us have to own the responsibility to imbibe golden-aged elevated tendencies. Tendencies mean sanskars. For transformation for a new world, each one of us have to develop the culture of positive thinking and universal brotherhood. Fourth point, media holds high communicative strength. Even one simple communication may raise or lower the mental state of millions of people. Therefore, they need to pledge out that they would only give positive energy through their communication in order to benefit the society. Fifth point, in order to fulfill the vested individual and organization's interests, media to pay special attention not to put the public at stake at any cost. Sixth point, media to take more care in promoting and sustaining the communal harmony. Last point, in the advent of tremendous growth of technology in media and due to lack of proper media policies and regulations, which result in chaos and confusion among the people, this conference appeals to the government to formulate a special inclusive media policy. Inclusive media means including vo populi, that means voice of people, in this policy and regulation in consultation with all the stakeholders. So this is the action plan that we have derived after so many discussions and opinions drawn from different very, very important people from the media and other allied professions. I would now request Brother Srinivasanji, who is the director of Prime Point Foundation, Chennai, and Brother Y. Babji, he is the Secretary General of Public Relations Society of India at the national level, to kindly second this action plan. Brother Srinivasan, please. Om Shanti. On behalf of Digital Journalists Association of India, for which I am the founder and chairman, I second the resolutions moved by this conference, and I give the full support to them.
Om Shanti. On behalf of Public Relations Fraternity of the country, I second the resolutions adopted by this five-day conference and the plan of action placed before the media and PR fraternity of the country. Om Shanti. ओम शांति. अभी मैं निवेदन कर रहा हूँ, प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी, डायरेक्टर जनरल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली से, वो भी इस एक्शन प्लान का सेकंड करेंगे. और साथ ही एज ए चीफ गेस्ट वो अपना प्रवचन भी हमारे सामने रखेंगे. भ्राता संजय द्विवेदी जी देश के प्रख्यात पत्रकार, संपादक, लेखक, अकादमिक प्रबंधक और मीडिया प्राध्यापक भी हैं. आपने बहुत से पेपर्स के अंदर कार्य किया है और मूल्य आधारित पत्रकारिता को समर्पित संगठन जो हमारा मूल्य निगत मीडिया अभिक्रम समिति है, आप उसके अध्यक्ष, और आपने 25 पुस्तकें लिखी हैं, संपादन की हैं, और साथ साथ अनेक संगठनों के आप जो है सम्मानित हैं. मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज के इस एक्शन प्लान को भी सेकंड करें और अपना प्रवचन भी. एज चीफ गेस्ट हमारी रिक्वेस्ट है कि आप. ओम शांति. आज के इस मंच पर विराजमान सभी महान विभूतियों को और आप सब जो सामने बैठे हैं, आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को प्रणाम करता हूं. जो प्रस्ताव आदरणीय सरलभ आनंद बहन ने रखा है, मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आप सब से भी उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे सहमत हैं. एक बार हाथ उठा के उस प्रस्ताव का समर्थन करिए. आज के इस समापन सत्र में अभी तक यहाँ टिके हुए पत्रकार मित्रों को मेरा अभिवादन. और मैं मानता हूँ कि आप जब तक मूल्यनिष्ठ मीडिया बन नहीं जाएगा तब तक आप नहीं जाएंगे, और आपकी उस उम्मीद को मैं नमस्कार करता हूँ. एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये अभियान क्यों प्रारंभ किया गया, ये अभियान क्यों ज़रूरी है. देखिए, हमारी जितना भी साहित्य है, पत्रकारिता है, हमारी जो प्रदर्शन कलाएं हैं और समाज जीवन को प्रभावित करने वाले जो भी विषय हैं, उनकी उपयोगिता क्या है अगर वह लोक मंगल के लिए काम न करे. मीडिया भी एक ऐसा माध्यम है जो बहुत प्रभावकारी है, और अगर हम इसका लोक मंगल के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, विश्व मंगल के लिए उपयोग नहीं करते, इसकी कोई उपयोगिता नहीं है. और इस नाते इतने खतरनाक समय में जब फैक्ट और फिक्शन दोनों एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं, तो हमें मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता की आवश्यकता, समाधान मूलक पत्रकारिता की आवश्यकता बहुत जरूरी हो जाती है. देखिए, हम जो देंगे वही मिलेगा. अगर हम समाज को अच्छी चीजें देंगे, समाज को अच्छी वाइब्रेशंस देंगे, अच्छी खबरें देंगे, अच्छे विचार देंगे, तो हमारा भी मन ठीक रहेगा, हमारा परिवार ठीक रहेगा, हमारा देश और समाज स्वस्थ होगा. क्योंकि हम मन बनाने का काम करते, मत बनाने का काम करते हैं, इसलिए ज्यादा जिम्मेदारी का काम है. डॉक्टर अगर स्वास्थ्य दे रहा है तो हम भी लोगों के मानसिक स्वास्थ्य देने का काम करते हैं. इसलिए अच्छे विचारों के साथ रहना कठिन जरूर होगा, पर असंभव नहीं है. अगर असंभव होता तो 1700 लोग इस कार्यक्रम में नहीं आए होते. इस कार्यक्रम के रजिस्ट्रेशन 1700 लोगों का हुआ है, तो अगर पूरे हिंदुस्तान से 1700 लोग आए हैं तो ये साधारण घटना नहीं है. और मुझे लगता है कि इतने लोगों की इस विचार में आस्था है, ये कोई शेयर करने थोड़ी आए हुए हैं. अपना खर्च करके, अपना समय निकाल करके
छुट्टियां लेकर के, जबकि अखबारों में छुट्टियां बड़ी कठिन होती है, आप यहां तक आए हैं तो जरूर आपके मन में ये संकल्प बहुत गहरा है। देखिए, एक रुचि होती है और एक सोच होता है। रुचि के आधार पर अगर आप चलेंगे, लोगों की रुचि के आधार पर चलेंगे, कभी अच्छा समाज बन नहीं सकता। इसलिए रुचि के साथ साथ हमको लोगों की सोच बदलने के लिए काम करना है। लोगों का मन बदलना है, लोगों की सोच बदलनी है, और जब हमारे पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी है तो हम इस काम को जरूर करना चाहेंगे। देखिए, पूरा जो मीडिया है वह पश्चिमी आधार पर खड़ा हुआ है, जिसमें नकारात्मकता को एक मूल्य की तरह माना गया है, जिसमें नेगेटिविटी एक मूल्य है, वैल्यू है। पर हमारा जो भारतीय विचार है वह अलग किस्म का विचार है। इसलिए मैं दो बातें कहता हूं हर मंच पे। एक तो मीडिया का भारतीयकरण करने की जरूरत है। अभी ये मीडिया जो है पश्चिम के विचारों पे चलता है, पश्चिम के मूल्यों पर चलता है, इसलिए मीडिया का भारतीयकरण करने की जरूरत है और समाज का आध्यात्मिकरण करने की जरूरत है। समाज आध्यात्मिक होना चाहिए और मीडिया भारतीय होना चाहिए। अगर समाज आध्यात्मिक होगा तो हम इस प्रकार के संकटों से बहुत जल्दी निजात पा लेंगे। और इसलिए अच्छे मनुष्यों का निर्माण हो, अच्छे मनुष्य हमें मिलें, इसके लिए हमें ये रास्ता तय करना पड़ेगा। ये कठिन है, निश्चित रूप से कठिन है, आज के समय में तो और भी कठिन है। और इसलिए जो आपको टेलीविजन पर लड़ता झगड़ता हुआ भारत दिखता, वो सच नहीं है। आप उस भारत से प्रभावित मत होइए, वो हमारा भारत है भी नहीं। हमारा भारत तो एक भारत है, वो श्रेष्ठ भारत है, जो दूसरों के दुख में दुखी होता है और दूसरों के सुख में आनंद की प्राप्ति करता है। हम ऐसा भारत बनाना चाहते हैं, ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं, और एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो सपना है वो हमारे इन सत्संकल्पों से साकार होगा। और इसलिए राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है। हम कोई जड़तावादी लोग नहीं है, इसीलिए हमारे वेदों ने कहा आनो भद्रा कर्तव्यंत विश्वतः। हमने अच्छे विचारों के लिए खिड़कियां खोल दी हैं, और अच्छे विचार हमें अच्छा मनुष्य भी बनाएं, अच्छा पत्रकार भी बनाएं। और एक अच्छा मनुष्य एक अच्छा पत्रकार भी होगा, समाज जीवन में जहां भी रहेगा अच्छे काम करेगा। आज के इस मौके पर समापन की सभा में समय बहुत हो गया है, मैं ज़्यादा बोलने की स्थिति में नहीं हूँ और मैं आपके धैर्य की परीक्षा भी नहीं लेना चाहता। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के एक श्रेष्ठ काम करें, एक सुंदर भारत बनाने के लिए, एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए। और परमपिता ब्रह्मा का जो आदेश है, जो सर्व आत्माओं के पिता हैं, उनकी स्मृति को ध्यान में रखते हुए, उन अच्छे विचारों को ध्यान में रखते हुए हम एक श्रेष्ठ भारत और अच्छा भारत बनाने की ओर बढ़ें। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, अपने क्षेत्रों में आप जाकर के इन संकल्पों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत आभार भ्राता संजय द्विवेदी जी, आपने बहुत सुंदर बात कही है कि किस प्रकार से मीडिया का भारतीयकरण और आध्यात्मिकरण जो है वो होना चाहिए और उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत आभार। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ बहन डॉक्टर ब्रह्मा कुमारी सुनीता बहन, जो कि राजयोगा टीचर हैं, शांतिवन में यहाँ पर ही हैं, और आप वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका के साथ साथ इंटरनेशनल मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी हैं। आपसे निवेदन है, 40 वर्षों से आप ये कार्य कर रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप अपने विचार और मेडिटेशन का विशेष यहाँ पर एक्सपीरियंस कराएंगे। कुछ मिनट के लिए आवश्यकता है, आप सब बैठे रहें, सिर्फ 2-4 मिनट की आवश्यकता है, आप बैठें। ओम शांति, सभी कहिए एक बार दिल से ओम शांति, एक बार मुस्कुरा के कह दीजिए ओम शांति। सम्मान्य मंच और सभा में उपस्थित परमात्मा के चुने हुए विशेष समाधान स्वरूप सिद्धिदाता मास्टर गणेश, आप सभी समाधान स्वरूप है ही, और आज गणेश चतुर्थी के दिन आज जो भी रेजोल्यूशन पास हुआ है उसका श्री गणेशाय करने हम सभी जा रहे हैं। इसके लिए आप सभी को गणेश चतुर्थी के साथ साथ श्री गणेशाय करने की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।
ऐसा कोई ताला नहीं जिसकी चाबी ना हो, लेकिन बस वो सही ताले की, सही चाबी की जरूरत है और साथ साथ उसका प्रयोग करने की जरूरत है। और ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ है, सेकंड हुआ है, लेकिन ये एक चाबी है जिसका अभी हमें प्रयोग करना है, और वो प्रयोग करने की विधि है राजयोग। तो राजयोग में हम इस चाबी को प्रयोग करने की एक शक्ति हमारे अंदर आती है कि चाहे कैसे भी सेटबैक क्यों ना हो, लेकिन हम सिट बैक करें और अपने साइलेंस शांति की शक्ति में अपने बुद्धि योग परमात्मा से जोड़कर अपने अंदर वो शक्ति का अनुभव करें जिसके द्वारा हम प्रैक्टिकल में अपने वो संस्कार, स्वर्णिम युग के जो संस्कार हम बनाना चाहते हैं वो इमर्ज कर सकें। वो हम हैं ही जो हम बनना चाहते हैं, सिर्फ हमें उसकी स्मृति लानी है, सिर्फ वो सही फ्रीक्वेंसी से हमें उसे कनेक्ट करके वो शक्ति अपने अंदर भरनी है। तो आओ चले हम सभी सिट बैक करें, सिट स्ट्रेट करें, और एक दृढ़ संकल्प, पूर्ण संपूर्ण एकाग्रता से अपने मस्तक के बीच स्वयं को देखें। आसपास कौन क्या कर रहा है, क्या कैसे कर रहा है। ओम शांति भैया आगे जो बैठे हैं। हाँ जी, किसी को भी आसपास किसी को न देखते हुए हम स्वयं को देखें। भ्रकुटी के बीच में स्वयं को एक अजर अमर चैतन्य शक्ति आत्मा देखें। और ये संकल्प क्रिएट करें कि मैं शांत स्वरूप, समाधान स्वरूप आत्मा हूँ। मैं पॉजिटिविटी से भरपूर अपने ओरिजिनल सत्य स्वरूप में स्थित शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। इस शरीर रूपी पिंजरे से परे मैं सकारात्मक पंछी, सकारात्मक संदेश देने के लिए इस देह से परे, इस देह की दुनिया से भी परे सूर्य तारागण से भी परे एक सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में जा रहा हूं। जहां चारों तरफ शांति ही शांति है, ब्रह्ममय तत्व का बना हुआ ये शांति धाम मेरा अपना घर है। जैसे लाल मखमल पर हीरे लगा दो, कितना सुंदर दृश्य होता है। ऐसे ही ध्यान से देखिए इस सुनहरे लाल प्रकाश में दुनिया में हम सभी आत्माएं हीरे की तरह चमक रही हैं।
और इन हीरों के बीच है एक बेदाग हीरा, सर्वशक्तिवान, जो और कोई नहीं मेरा अपना पिता है। सर्व आत्माओं के कल्याणकारी, असंभव को संभव करने वाले, सर्व समस्याओं का समाधान करने वाले, सर्वशक्तिवान शिव बाबा, की सानिध्य में मैं स्वयं को शिव परमात्मा की शक्तियों से, शिव परमात्मा के गुणों से भरपूर कर रही हूं। और शिव परमात्मा का संदेश कि हम सभी सकारात्मक पवित्र आत्मा हैं, हम सभी आत्माओं का पिता एक है, शांति का सागर जो सभी धर्म में मान्य है, और इस शांति की शक्ति से, इस सकारात्मक ऊर्जा से हमें एक स्वर्णिम संसार लाना है। इस परमात्मा के दिव्य संदेश को मैं स्वीकार करती हूँ, दिल से हृदय से स्वीकार करती हूँ, और प्रतिज्ञा करती हूँ कि मीठे शिव बाबा, आपका ये संदेश हम जन जन तक पहुंचाएंगे, और सिर्फ सकारात्मकता को ही बढ़ावा देंगे। इसी दृढ़ प्रतिज्ञा से, जो सर्वश्रेष्ठ मीडिया है, संकल्प रूपी मीडिया, जो सभी मीडिया का आधार, सभी मीडिया का स्रोत, अपने इस दृढ़ संकल्प, सकारात्मक संकल्प की ऊर्जा को अपने अंदर भरते हुए मैं समाधान स्वरूप सिद्धि दाता अपने इस श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित होकर हर ऑपोजिशन का सामना सकारात्मक विधि से करते हुए इस धरा पर
परमात्मा के कार्य में सहयोगी बनते हुए स्वर्णिम दुनिया इस धरा पर लाने के लिए निमित्त हूँ, इसी श्रेष्ठ जवाबदारी से सकारात्मक मीडिया हूँ, सकारात्मक मीडिया प्रोफेशनल हमेशा रहूँगा अथवा रहूँगी। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कुछ ज़रूरी अनाउंसमेंट है। कल आप सबका मॉर्निंग मेडिटेशन सेशन 7:15 इसी हॉल में होगा। नाश्ते के बाद कल साइट सीन का दिन है। आप सबने साइट सीन की बुकिंग कर ही ली होगी। ट्रांसपोर्ट ऑफिस में आने जाने की सूचना आपको देनी है। आपकी रिटर्न जर्नी जब है उसके 12 घंटे पहले आपको वहां जाकर कितने बजे जाना है उसकी सूचना देनी है। जर्नी फूड के लिए आपको जर्नी फूड डिपार्टमेंट में जाकर एक स्लिप भरकर देनी होगी। कल रात को 8:30 से इसी हॉल में आपका एक्सपीरियंस शेयरिंग का एक सेशन होगा। परसों सुबह 7:45 भी आपका यहाँ पर ही मेडिटेशन सेशन होगा। ओम शांति। एक दो मिनट और बैठ सकते हैं। इसमें मैं निवेदन कर रहा हूँ आदरणीय बहनों से कि वो गॉडली गिफ्ट जो हमारे डायस पर स्पीकर्स हैं उनको गॉडली गिफ्ट दिलाएंगे। ब्रह्मा कुमारी सरला बहन और रंजन बहन सहयोगी बने। कनु भाई, ये सरला बहन जी, कृपया कनु भाई को पहले। जितेंद्र भाई, आप करतल ध्वनि कर सकते हैं। और बहन रीमा श्री, उनको भी ईश्वरीय गिफ्ट दी जा रही है। आप सभी ने बहुत बहुत सहयोग दिया आदरणीय मंच पर। हमारे जो भी वक्ताएं हैं मैं उन सभी का बहुत बहुत आभार मानता हूं। और आप सभी भाई और बहनों ने जो कि इतना लेट होने के बावजूद भी यहां पर ऐसा कहें इस क्षेत्र में डटे हुए हैं, उनके लिए बहुत बहुत मैं ब्रह्मा कुमारी की ओर से आप सबका बहुत बहुत आभार मानता हूं। और इसमें मैं एक थोड़ा सा शेयर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि फूलों की वादियों में बसेरा हो आपका, तारों के आंगन में खूबसूरत सवेरा हो आपका। दुआ है ये हमारी मीडिया वालों के लिए, सारे जहान से भी प्यारा हो नसीब आपका, नसीब आपका। मुसाफिर तो हम हैं, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी,
किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, नए लोग होंगे और नई बात होगी, चिरागों के आँखों में महफूज रखना, चिरागों को आँखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक बात रात ही रात होगी, रात ही रात होगी। अभी एक मिनट बाबा की याद में रह करके कार्यक्रम संपन्न करते हैं, एक मिनट ईश्वर पिता की याद में।